नमस्कार जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है सत्याधि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे सभी को गुड मॉर्निंग जय राम राधे राधे जय जोहार सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी साथी और दोस्त आज यूट्यूब पर इस क्लास का आनंद ले रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास एक नया अध्याय यहाँ पर एक शुरू हो रहा है आदिकाल का प्रारंभ आज से होने वाला है आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है आदिकाल को और क्या क्या कहा जाता है उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे और सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब पर ये क्लास शुरुआत हो चुकी है एप्लीकेशन पर भी ये क्लास आप चाहे तो देख सकते हैं दोनों जगह पर यह क्लास आपको देखने को मिल रही है इस क्लास में हम जब तक आप कहेंगे तब तक या यहाँ पर स्थिति अनुकूल रहेंगे, तब तक हम इस क्लास को पढ़ाते रहेंगे बढ़ते रहेंगे संडे का दिन है लेकिन आपके लिए जो है मैं संडे को भी जो है एक स्टडी डे बनाना चाहता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ वो बातें जो आपको पढ़ना जरूरी है क्लास किन के लिए रहेगी सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं तो क्लासेस जो है विशेष करके बहुत ही डीपली मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आदिकाल को और जिन लोगों ने भी अभी भी कहीं भी कैसे भी आदिकाल पढ़ा है उनके आज सोचने और समझने का नजरिया बदल जाएगा क्योंकि ऐसा आदिकाल उन्होंने शायद ही कहीं पढ़ा होगा तो चलिए क्लासेस किन किन के लिए रहेगी ये एक बार मैं बता देता हूँ आपको तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि क्लास जो रहेगी ये यूजीसी नेट के लिए है यूजीसी नेट के लिए है एक भैया ने प्रश्न किया था कि सर प्रोफेसर बनने के लिए क्या पी होना जरूरी है तो नहीं नेट या सेट होना जरूरी है यू नेट के लिए है किसी भी राज्य का सेट हो यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो विशेष इस करके हम तैयारी कर रहे हैं एमपी सेट को लेकर जिसकी सर्व शुरुआत हो चुकी है वो जून में परीक्षा है नेट हर वर्ष में दो बार होती है किसी भी राज्य का लेक्चरर वाला हो व्याख्यता परीक्षा हो वहां पर भी उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है सहायक प्राध्यापक जिसे कहा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक की एग्जाम सितंबर में होगी फॉर्म डाल रहे हैं भाई साहब जिन्होंने नेट और सेट कर लिया है फॉर्म डाल देना फॉर्म डाल रहे हैं नेट और सेट करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं सहायक प्राध्यापक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं विशेष करके वर्ग एक चयन परीक्षा वर्ग एक की मुख्य परीक्षा के लिए चयन परीक्षा के लिए भी क्लास वरदान साबित होने वाली है और इसी के तहत मैं जो है व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ पांच अप्रैल से चयन परीक्षा के लिए भी क्लासेस रहेगी जो कि महत्वपूर्ण रहने वाली है वर्ग दो के अभ्यर्थी भी इसको पढ़ सकते हैं विशेष करके साहित्य इतिहास या साहित्य जहां भी पूछा जाता है उन एग्जाम में इसका जो है या साहित्य संबंधी एग्जाम जो है उनमें इसका बहुत ही बड़ा रोल रहेगा किसी भी राज्य चाहे उत्तराखंड हो चाहे बिहार हो या कोई भी राज्य चाहे हिमाचल हो हरियाणा हो राजस्थान हो सभी राज्यों में अगर आप तैयारी कर रहे हैं व्याख्यता की या प्रोफेसर की तो क्लास आपके लिए रहने वाली है चलिए दोस्तों स्वागत है सभी का और सभी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं मैं देख पा रहा हूँ कई सारे मेरे साथी यहाँ पर YouTube पर भी जुड़े हैं और कई सारे साथी एप्लीकेशन पर भी लगभग जुड़ चुके हैं वर्ग दो वाले पढ़ सकते हैं आज एक बार देखिए पढ़कर आपके सोचने समझने का नजरिया आदिकाल को लेकर बदलेगा और शुरुआत करेंगे

जुड़ते सही लिंक को शेयर कर दीजिएगा अगर आप सभी लिंक को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा हमें भी लगेगा चलिए शुरुआत करते हैं और हेडिंग डालते हैं यहाँ पर अभी तक एप्लीकेशन पे हमने क्या पढ़ा एप्लीकेशन पर हमने इतिहास देखा है वहां पर हमने इतिहास लेखन की पद्धतियां देखी हैं इतिहासकारों के नाम देखे हैं इतिहासकारों के बारे में विस्तार से जाना है काल विभाजन देखा है आज हम देख रहे हैं हिंदी की प्रथम रचना उसके बाद आदिकाल की शुरुआत आदिकाल में प्रथम रचना यहाँ पर देखने को मिलेगी तो हेडिंग डालेंगे हिंदी की प्रथम रचना हिंदी की प्रथम रचना शुरुआत करेंगे यहाँ पर हिंदी की प्रथम रचना हिंदी की प्रथम रचना या हिंदी का प्रथम कवि कह लीजिए रचना से पहले हिंदी का प्रथम कवि और उसके बाद हिंदी की प्रथम रचना देखेंगे और आदिकाल की शुरुआत करेंगे हिंदी का प्रथम कवि सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये बनता है कि आखिर हिंदी भाषा का पहला कवि किसे माना जाए या हिंदी का पहला कवि कौन है अगर सीधे सीधे शब्दों में प्रश्न पूछा जाए तो आपको नाम बताना है सरहप्पा का सरहप्पा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं याद रखना दोस्तों सरहप्पा को सरहपाद भी कहा जाता है और ये हिंदी के प्रथम कवि के रूप में विख्यात है तो याद रखना अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन तो हिंदी का प्रथम कवि कौन रहेंगे सरहप्पा रहेंगे क्या रहेंगे सरहप्पा रहेंगे लेकिन ये माना किसने है सबने अलग अलग माना है सबने अलग अलग कवियों को माना है

आगे देखिए अगला नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात करूं मैं तो इन्होंने जो माना है स्वयं को पहला कवि माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है हम बात करें हिंदी के आदिकाल में पहला कवि कौन है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगला नाम देखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो तीन अपवादी रूप दे दिए यहाँ पर इसे थोड़ा कन्फ्यूज कर देते हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ जगह पर चंद्रवरदाई का नाम मिलता है तो याद रखना चंद्रवरदाई जो उन्होंने माना महाकवि पहले माने हैं रामचंद्र शुक्ल इन्होंने मुंज और भोज इन दोनों को या इनको ही प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है मुंज कवि को भोज कवि के रूप में स्वीकार करते हैं ये और कुछ उन्हें आश्रयदाता के रूप में मानते हैं मुंज या भोज कवि करके हुए हैं उनको प्रथम कवि माना है याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला महाकवि चंद्रवरदाई को माना है लेकिन पहला कवि मुंज या भोज को माना ये एक ही है दोनों अलग अलग ने दो नाम जैसे पुष्यपुंड था ऐसे इनका भी नाम है अगला नाम देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसने कहानी लिखी थी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक नाम है यहाँ पर उन्होंने एक हिंदी की अमृत कहा अमर कहानी लिखी है जिसके कहा नाम है उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी करके एक नाम है इन्होंने जो लिखा है या माना है वो मुंज कवि को पहला हिंदी का कवि के रूप में स्वीकार किया है मुंज कवि है मुंज को माना है अलग अलग रूप है अगला नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कदम आगे है सभी से आप सभी को पता होगा इन्होंने आदिकाल के बारे में बहुत काम किया है उन्नीस में ग्रंथ भी लिखा था इन्होंने आचार्य आचार हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें अगर तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ज, आ, आ, हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल ये तीन ग्रंथ इन्होंने लिखे थे और तीनों ग्रंथ को बहुत विस्तार से पढ़ना चाहिए आपको अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो तो यहाँ पर उन्होंने लिखा अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान को अब्दुल रहमान भी कहते हैं बहुत बार बच्चे उलझ जाते हैं सर अब्दुल रहमान लिखे कि अब्दुल रहमान लिखे तो इनको हिंदी का पहला कवि उन्होंने माना है हिंदी का पहला कवि माना है अगले नाम पर आएंगे अगले नाम को देखेंगे बच्चन सिंह डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम देखो डॉक्टर बच्चन सिंह डॉक्टर का पहला कवि है विद्यापति को मानते हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है जिन्होंने कीर्ति लता कीर्ति प्रता का नाम की कई सारी रचनाएं लिखी थी विद्यापति को माना जाता है बच्चन सिंह को सामान्य तौर पर आपको याद रखना अगला नाम है गणपति चंद्र गुप्त गणपति चंद्रगुप्त एक नाम है इन नाम को आप एक और देखिए अंत में सातवा नाम हम लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जिन्होंने उन्नीस सौ में एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था उसकी हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त ने सालीभद्र सूरी सालीभद्र सूरी करके एक नाम है उनको हिंदी का पहला कवि माना है सालीभद्र सूरी सालीभद्र सूरी एक नाम है इनको हिंदी का पहला कवि माना है साली भद्र सूरी करके एक नाम है इनको हिंदी का पहला कवि माना है अब हमारे पास तो कई सारे नाम हो गए हमने कई सारे नाम देखे हैं आप याद रखिए दोस्तों यहाँ पर विशेष करके कई सारे नाम देखे हैं एक अंत में नाम एक लिखता हूं मैं जगमगाता चकमगाता हुआ नाम वो है राहुल संक्रत्यंत राहुल सांक्रत्ययन इन्होंने हिंदी काव्य धारा नाम एक ग्रंथ लिखा था बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है इनके ग्रंथ का नाम याद रखना हिंदी काव्य धारा हिंदी काव्य धारा का नाम आपको याद रखना है राहुल संक्रत्ययन में इन्होंने आदिकाल और सिद्धों के संबंध में काफी काम किया और इनके ग्रंथ को जो नाम दिया गया है वो आ, इनके ग्रंथ को हिंदी काव्य धारा कहा गया है और इन्होंने पहला कवि माना है सरहप्पा को किसको माना है सरहप्पा को तो सर्वमान्य रूप से अगर पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है तो हिंदी का पहला कवि है सरहप्पा अब इतने सारे नाम हमारे सामने आए एग्जाम में प्रश्न क्या आता है ऐसा हो गया पटवारी हो गया इनमें तो सिंपल सा प्रश्न बनता है कि हिंदी का पहला कवि कौन तो हिंदी का पहला कवि कौन मानेंगे हम हम मानेंगे राहुल सांक्रात्य जिनको सबसे लास्ट में लिखा है सबसे लास्ट में लिखा है सबसे सबसे प्रमुख माना जाता है सर्व है लेकिन गलती से कभी एग्जाम में पूछ ले कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है कि हिंदी अभ्रंश के वाल्मीकि भी कहलाते हैं स्वयं को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है याद रखना दोस्तों वाल्मीकि स्वयं कहलाते हैं। जो है, कहलाते हैं। कहलाते हैं इसको। और नाम से जाना जाता है कई सारे नाम अभी हम देखेंगे मैथिल कोकिल या मैथिल कोकल कहा जाता है मैथिल कोकिल मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है तो कुछ नाम मैंने और लिखे हैं मुंज और भोज को एक ही माना गया अब्दुल रहमान को अब्दुल रहमान भी कहा है सहली भद्र सूरी ये जैन धर्म संबंधित थे हिंदी का पहला कवि है मैथ्स वालों के लिए जरूरी नहीं है क्लास ये ये क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी हिंदी साहित्य के हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि पढ़ रहा है हिंदी साहित्य वर्ग दो वर्ग एक यूजीसी नेट किसी में भी ओके सर हप्पा राधे 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 सभी का स्वागत है मेरा ध्यान दोनों तरफ है मैं YouTube पर देख पा रहा हूँ यहाँ भी काफी बच्चे जुड़े हैं मैं एप्लीकेशन पर देख पा रहा हूँ लगभग काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर भी बच्चे जुड़े हुए हैं और सभी बहुत अच्छे से इस क्लास को देख रहे हैं चलिए तो प्रथम कवि की बात हो गई हिंदी के प्रथम कवि का यहाँ पर वर्णन किया गया अगर आपसे पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन तो आप हिंदी का पहला कवि किसे बताएंगे सरहप्पा को सरहप्पा के कई सारे नाम भी है जिनको आपको याद रखना है आगे और देखिए अब एक और पॉइंट लिख लीजिए कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखना दोस्तों मिश्र बंधु ने किसी को भी गद्य का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो पॉइंट देखिए मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु ने, ने 1913 में ग्रंथ लिखा था तीन भाग प्रकाशित उसमें हुए थे तीन संस्करण मिश्र बंधु ने हिंदी का या हिंदी का हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन का वर्णन नहीं किया है वर्णन नहीं किया है हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन नहीं किया है नहीं किया है हिंदी के प्रथम कवि का वर्णन नहीं किया है और उन्होंने 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 गोरखनाथ को एक नाम याद रखना यहाँ पर उन्होंने गोरखनाथ को गोरखनाथ को गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार हिंदी का प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है गद्यकार माना है किसने माना है उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है कि पहली बार गद्य लिखने का काम किसी तो ने किया है तो गोरखनाथ ने किया है दोस्तों गोरखनाथ नाथ संप्रदाय संबंधित थे नाथ थे ये और यहाँ पर याद रखना मिश्र बंधुओं ने 1913 में तीन भाग प्रकाशित करवाए तो उन्नीस में दूसरा भाग था हाँ एम के लिए ये ज्यादा डीपली हो जाएगा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो इसको ना देखें क्योंकि विशेष करके करके डीपली अगर आप आप में फोकस पढ़ पढ़ रहे तो आप पढ़ सकते हैं ओके और आगे बढ़ते हैं अभ्रंश का व्यास कहा पुष्य दंत को बहुत बड़ा वेद व्यास अभ्रंश का वेद व्यास पुष्य दंत या पुष्य को कहा जाता है पुष्य कवि को कहा जाता है व्यास नहीं वेद व्यास कहा जाएगा हाँ दिख रहे हैं सब दिख रहे हैं चलिए ये बात थी प्रथम गति के रूप में स्वीकार किए गए हिंदी की प्रथम रचना का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं सब दिख रहे हैं मुझे पूजा मोनू शुभम भागीरथ उमेश यादव गोल्डी पांडे गोल्डी पांडे जय मिश्रा गोल्डी पांडे ये पर सब दिख रहे कैरेक्टर में दिख रहे किन दिख रहे सब दिख रहे लाइव क्लास है ये सभी का स्वागत आशा चंद्रवंशी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हंसा सुनील सयाबा सतीश पूजा धर्मेंद्र मेहदा अजय सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए आगे देखिए और आगे बढ़ते हैं हिंदी की प्रथम रचना हिंदी का पहला कवि किसे माना गया याद रखने वाला प्रश्न था हिंदी का पहला कवि जो है वो सरहप्पा को माना जाता है और सरहप्पा को सरपाद भी कहते हैं अगला ये हिंदी की प्रथम रचना हिंदी की प्रथम रचना पर बात करें भैया हिंदी की प्रथम रचना 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 की बात अगर की जाए तो याद रखना सरहपा ने कई सारी रचनाएं लिखी थी लेकिन वो उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उनका संकलन तोहा को उसके नाम से राहुल संक्रांत जी ने किया जरूर है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है हिंदी के पहले कवि रहे हैं सरहप्पा उन्होंने दोहा कोश नाम की रचना लिखी है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है और उनका संकलन किया गया है राहुल जी जी के और जी के द्वारा द्वारा और ओके लेकिन अब यहाँ पर देखिए अब ये जो रचना उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या करें सरप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं है तो एक आचार्य हुए हैं जैन धर्म के जिनका नाम देवसेन है उन्होंने ग्रंथ लिखा था शावकाचार उसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है प्रथम ग्रंथ माना जाता है तो कुछ पॉइंट लिखता हूं मैं यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रथम कवि 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 सरहप्पा सरहप्पा की कोई भी रचना की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है कोई भी रचना कोई डाउट बने पूछ लेना आप अब रचना उपलब्ध नहीं तो कैसे पता चला तो भाई कई सारे स्रोत होते हैं उनके आधार पर पता चला तो इनकी कोई भी रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है लेकिन इनका क्या किया गया है संकलन किया गया फुटकर रचनाओं को शामिल किया गया तो इनकी तो कोई रचना उपलब्ध नहीं है अब रचना उपलब्ध नहीं तो फिर क्या किया नौ सौ तैतीस ईस्वी में एक आचार्य हुए आचार्य देवसेन उन्होंने एक रचना लिखी श्रावकाचार श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है अगला प्रश्न आपसे यही बनेगा नौ सौ तैतीस ईस्वी में आज लिखेंगे आगे हाँ जैनाचार्य जैन आचार्य जैन आचार्य जैन आचार्य देवसेन जैन आचार्य देवसेन या देव देव भी कहते हैं इनको देव के नाम से दो तीन कवि हुए हैं देवसेन द्वारा रचित द्वारा रचित द्वारा रचित आचार्य जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित शावकाचार 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 शावका शावकाचार कब लिखी गई है तो लिख लेना 933 सो ईस्वी में 933 सो ईस्वी में शावकाचार को को हिंदी की को हिंदी की को हिंदी की रचना प्रथम रचना माना जाता है प्रथम रचना माना जाता है प्रथम रचना माना जाता है प्रथम रचना या एसआई में भी पूछा जा चुका है एक बार कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है तो याद रखने वाली बात यह कि जो श्रावकाचार ने लिखी या चार लिखी गई उसे ही माना गया हिंदी की प्रथम रचना तो आचार्य देवसेन नौ सौ ईस्वी में लिखी गई है और क्या खास बात इसमें इसमें लगभग छंद है इसमें दो छंद है शावकाचार के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिख देता हूं मैं शावकाचार की खास बातें तो शावकाचार शावका जो है ये शांत रस प्रधान रचना है शांत रस प्रधान रचना है कुछ बातें लिखता हूं इसके बारे में रस में लिखी गई रचना है रस में लिखी है रस प्रधान रचना है में प्रधानता के साथ है 250 दो दोहों का संकलन है 250 दोहा छंद इसमें है 250 दो दोहा छंद है 250 दो दोहा छंद दो का प्रयोग इसमें किया गया है तो हिंदी की पहली रचना आपके सामने है 250 दो दोहा छंद मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पर 250 दोहा छंद कर देता हूँ मैं यहाँ पर दोहा छंद 250 है शामिल है गृहस्थ का वर्णन किया गया गृहस्थ जीवन का वर्णन है गृहस्थ जीवन का वर्णन और श्रावक धर्म का वर्णन है गृहस्थ का वर्णन है और श्रावक धर्म के जो है उपदेश है उनका वर्णन है गृहस्थ जीवन का वर्णन तो ये रचना हो गई हमारी पहली रचना हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है आपको देखें यहाँ पर और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कमेंट आपकी सभी क्लासेस और ये हो रहा है आपके लिए हिंदी का पहला कवि के बाद हिंदी की प्रथम रचना 250 छंद है 933 सौ में जिसमें लिखा गया श्रावक धर्म के या श्रावक जो श्रावक को संबंधित तो उपदेश है वो दिए गए गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया हिंदी की प्रथम रचना अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हिंदी की प्रथम रचना दोस्तों याद रखने वाली बात श्राव कौन सी है श्राव का किसने लिखी है आचार्य देव ने आचार्य देव ने लिखी है रीतिकाल में भी आचार्य देव होंगे आचार्य वो दो जगह तीन जगह पर मिलेंगे तो आपके सामने यहाँ जो दिख रहे जैन धर्म के हैं परेशान मत होना इसमें कि सर वहां अलग अलग जैन जैन मिल मिल रहे, रहे हैं दोनों ही सही है ओके चलिए ओके आगे बढ़ते हैं और अगले पर देखते हैं चलिए तो हिंदी की प्रथम रचना हो चुकी है हिंदी के प्रथम कवि हो चुके हैं हिंदी के प्रथम रचना और हिंदी के प्रथम कवि के बाद अब बारी आती आदिकाल की समय सीमा की जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी कवियों ने अलग अलग माना है उनकी आदिकाल की समय सीमा को हमें देखना है आदिकाल की समय सीमा बहुत ज्यादा पूछी जाती है क्रम से पूछी जाती है बार बार पूछी जाती है तो हेडिंग डाली अब यहाँ से आदिकाल की समय सीमा आदिकाल को नामकरण पर भी आएंगे लेकिन पहले हम समय सीमा देख लेते हैं कि आदिकाल को कहां से कहां तक माना गया है फिर आदिकाल के कई सारे नाम है लगभग 20-25 नाम अलग, अलग अलग दे रखे हैं उनको भी देखेंगे फटाफट फटाफट हेडिंग डालेंगे यहां से आदिकाल की समय सीमा आदिकाल की समय सीमा आदिकाल की समय सीमा आदिकाल आदिकाल की समय सीमा दोस्तों समय समय पर इसमें परिवर्तन पर हुआ कुछ लोगों ने ग्यारहवीं सदी से माना कुछ लोगों ने बारहवीं सदी से माना तो कुछ लोग तो सातवीं सदी से भी मानते हैं कभी सभी तरह के लोग हैं दुनिया में और इन्होंने वर्णन करके बहुत अच्छे से देखा आदि काल की समय सीमा आदिकाल कहां से कहां तक माना जाए आदि आदिकाल, आदिकाल है तो आदिकाल की समय सीमा के द्वारा किया, किया गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अठारह में प्रकाशित हुआ था लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में अठारह में प्रकाशित हुआ है अगर प्रश्न आए तो अठारह या नवासी ही आपको बताना है आगे देखिए यहाँ पर प्लीज स्क्रीन शॉट लेने दीजिए बिल्कुल मैं स्क्रीनशॉट का समय आपको पूरा दूंगा का समय आपको दूंगा एक बार आप चाहे तो फिर से देख लीजिए तो उसके बाद आते हैं हम मिश्र बंधु ने हिंदी का प्रथम कवि का वर्णन नहीं किया है उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है फिर आते हम हिंदी की प्रथम रचना पर तो श्रावकाचार जो देवसेन द्वारा लिखी गई थी इसे प्रथम रचना माना गया है अब आते हैं हम आदिकाल के समय सीमा पर तो याद रखो सबसे पहले सबसे पहले काल विभाजन का काम किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रीरसन ने तो सबसे पहले देखिए ग्रीरसन ने कहां से कहां तक माना इसको हम देख लेते हैं समय सीमा की बात कर रहे हैं समय सीमा में सबसे पहला नाम ले रहे हैं ग्रीरसन जो है इनका नाम लेते हैं इन्हें काल विभाजन का पिता भी कहा जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रीरसन इन्होंने जो माना गया है समयुदी इन्होंने ईसवी माना 643 से 1400 ईसवी तक 643 से चौदह सौ ईस्वी ने सन ही है ये कुछ अलग नहीं है सात सौ ईस्वी से लगभग माना था विक्रम संवत था पर इनका विक्रम संवत को आप बदल सकते हैं सन में बदलने के सत्तावन घटाना रहता है तो याद रखो इन्होंने जो माना है विक्रम संवत विक्रम संवत सात सौ से सात सौ से चौदह सौ चौवालीस सात सौ से चौदह सौ चौवालिस ईस्वी तक इन्होंने इसको माना है सात सौ से चौदह सौ विक्रम संवत तक माना है अब आते हैं आचार्य शुक्ल पर आचार्य शुक्ल का तो बहुत ही सर्वमान्य है और सर्वमान्य याद रखना आचार्य रामचंद्र आचार शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो समय सीमा मानी है विक्रम संवत एक हजार पचास ये पूछी जाती है दोस्तों याद रखना विक्रम संवत विक्रम संवत विक्रम संवत एक हजार पचास से एक हजार पचास से तेरा सो पचहत्तर तेरह सो पचहत्तर ईस्वी तक या विक्रम संवत तक माना जाता है विक्रम संवत है ये थोड़ा सा याद रखना विक्रम संवत है ये से नहीं है विक्रम संवत तो विक्रम संवत हजार पचास से तेरह सौ पचहत्तर ईस्वी तक इसको माना गया है राहुल संक्रत्यन पे आ जाओ राहुल संक्रांत्यन चार नंबर देखेंगे राहुल संक्रत्य राहुल संक्रत्य राहुल संक्रत्य ने बहुत काम किया है विशेष करके आदिकाल के संबंध में तो राहुल संक्रात्यन के जो वर्गीकरण है ये सातवीं सदी से लगभग प्रारंभ हो जाता है सातवीं सदी से प्रारंभ होगा हाँ ले लिया गुरु जी बहुत बढ़िया ये 760 से 1300 सो ईस्वी तक ईस्वी में कर देंगे हम इसको सब सात से 1300 सो ईस्वी तक 760 सौ ईस्वी से तेरह सौ ईस्वी तक ईस्वी मतलब सन जो चल रहा है जैसे मैं कह सकता हूं कि अभी 2023 ईस्वी चल रहा है लेकिन मैं विक्रम संवत में 2080 चल रहा है तो विक्रम संवत कौन सा चल रहा है अभी 2080 चल रहा है विक्रम संवत है ये लेकिन सम्मान ज्ञात करना है तो क्या करना है इसमें सत्ता घटा दो तो आपको मिल जाएगा दो ये ईस्वी है ये क्या है ये ईस्वी होगा दो ये ईस्वी है और दो क्या है विक्रम संवत है तो ऐसे ज्ञात किया जा सकता है जिनको नहीं पता हो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं शुक्ल जी का देख लिया मिश्र बंधुओं का देख लिया, गिरसन का देख लिया राम शंकर रसाल या रमाशंकर शुक्ल जोनों कहा था रामशंकर शुक्ल कर लो यहाँ पर रम शंकर शुक्ल रसाल जिसे कहा जाता है एक ही नाम है ये रमाशंकर भी कह सकते रामशंकर शुक्ल रसाल भी कह सकते हैं राम शंकर शुक्ल रसाल राम शंकर शुक्ल रसाल इन्होंने वर्करण किया था उन्नीस में ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास करके उन्नीस में इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है और इन्होंने माना है लगभग लगभग इनका जो वर्करण है वो है एक ईसवी ईस्वी से तेरह ईसवी ईस्वी तक ईस्वी में है ये भी <clears throat> एक से तेरह ईस्वी तक ये हो गया रामशंकर शंकर आपको सबको दिख भी रहा होगा और अच्छी तरह से दिख रहा होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि अधिकाल के जनक भी माने जाते हैं एक तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आइए तो इन्होंने एक हजार से चौदह सौ ईस्वी तक माना था और एकमात्र ऐसा आदमी है भैया ये कि जिन्होंने शुक्ल जी को गलत साबित करके बताया था और इन्होंने ये कहा था कि आप जिन बारह रचनाओं को आदिकाल की मान रहे हो ना ये तो आदिकाल की है ही नहीं बल्कि उसके बाद की है आचार्य हजारी प्रसाद ने टटकर सामने किया और उन्नीस में जो ग्रंथ लिखा था उसने बताया कि आप ये खुमान रासो बिसलदेव रासो 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 बोलते हो ना ये तो भक्ति काल की रचना है एक तरह से वहां पर इस तरह से यहाँ पर क्या सर साइड से ओके ओके ओके, ओके। मैं इसीलिए साइड से हट लिख रहा हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे और अगला नाम लिखेंगे हम यहाँ पर आ, जो है डॉक्टर नगेंद्र का नाम लिख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है सातवीं सदी से चौदवी सदी तक माना है डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र भाई इतना डीप में पढ़ने के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी अब अब किताब में देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी किताब भी देखने की जरूरत आपको नहीं रहेगी बिल्कुल भी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं एक हजार ईस्वी से चौदह सौ ईस्वी तक है ये मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर चौदह सौ ईस्वी तक ये हो गया डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो सातवीं सदी से इन्होंने सदी में माना है सातवीं सदी से सातवीं सदी से चौदहवी सदी तक चौदहवी सदी तक तो ये हो गया वर्गीकरण किसका ये डॉक्टर नगेंद्र का हो गया कुछ भी होगा तो हम चेक करेंगे एक बार निश्चिंत रहे आप अगर आपको कहीं पे डाउट बन रहे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं एक बार जरूर चेक करूंगा इनको है ना राम कुमार वर्मा सात सौ पचास ईस्वी है राम कुमार वर्मा कहाँ गए कहाँ गए अभी नहीं लिखा क्या हमने अभी नहीं लिखा ठीक है आते हम आ रहे उधर भी आ रहे हैं राम कुमार वर्मा साहब ने क्या किया उन्होंने दोहरा काम किया था उन्होंने संधि काल और चारण काल दोनों मान लिए तो सात सौ पचास भी मानना है एक हजार भी मानना है तो उन्होंने वर्गीकरण जो है लगभग लगभग वैसा ही किया जैसा कि शुक्ल जी ने किया है लेकिन पहला जो संधि काल और चारण काल है ना उसमें थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ किया है है ना हजारे प्रसाद एक हजार से चौदह सौ ओके ले लिया गुरु जी सात सौ पचास डॉक्टर वर्मा को छोड़ दिया क्या हमने पचास, लिख लिख लो लो उनका ही लिख लो। अगला नाम लिख इधर ही लिख देता हूं ताकि एक साथ हो जाए आपका ही अगला एक साथ हो जाएगा आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा अगला नाम लिख लो यहाँ पे कौन सा नंबर का ही आठवां नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने देखो संधिकाल चारण काल दो माना था जैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने तो बहुत लंबा माना है लेकिन हम क्या करेंगे हम सिर्फ इनका जो है वर्करण पहला वाला देखेंगे तो 750 750 पचास सौ ईस्वी से एक हजार ईस्वी इस तक इसके बाद एक हज़ार ईस्वी से भी इन्होंने माना है लेकिन हम जो है संधिकाल और चारण काल दो नाम थे उनमें से हम शुरुआत का ही नाम यहाँ पर लिखेंगे एक से हजार ईस्वी तक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए विक्रम संवत है दोस्तों ये करेक्शन कर लो इसमें एक ये है विक्रम संवत है ये क्या है विक्रम संवत है ये क्या है विक्रम तो मैं करेक्शन जहां भी लगेगा आपको बिल्कुल करवा दूंगा सात सौ पचास विक्रम संवत वी तक ऐसे बोल सकते हैं तो ये विक्रम संवत में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का अगला नाम आता है गणपति चंद्रगुप्त डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का नाम लिखिए वैज्ञानिक इतिहास लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य का डॉक्टर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त।, चंद्रगुप्त एक नाम आपको मिलेगा नया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है इन्होंने और इन्होंने लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने उन्नीस सौ में और इन्होंने ग्यारह से तेरह सो पचास ईस्वी तक माना भैया ग्यारह ग्यारह सो चौरासी ग्यारह सो चौरासी से तेरह सो पचास ईस्वी तक माना है ये वर्गीकरण देख रहे हैं हम इतना माना सबने अलग अलग सबने अलग अलग माना है सबने अलग अलग देखा है कुल मिलाकर नौ नाम हमने देखे और सारे नाम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करूंगा मैं ताकि हम अच्छे से बात कर सकें अच्छे से शुरुआत कर सके जॉर्ज गेयरसन छह सौ तिरतालीस से चौदह सौ ईस्वी तक मानते हैं सबसे प्रारंभिक रूप से मान रहे हैं मिश्र बंदु ने मिश्र बंदु ने सात सौ चौदह सौ चौवालिस माना है विक्रम संवत एक हजार पचास इसको ज्ञात करना हो अगर मुझे सन में बदलना हो तो एक हजार पचास में से क्या घटा दूंगा मैं संतानवे घट सत्तावन घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा नौ सौ तिरानवे ईस्वी से 993 ईसवी से 1375 में से संतावन इसी तरह से हम घटा सर इसे कर सकते हैं तो जहां जहां विक्रम संवत दे रखा है जहां जहां विक्रम संवत दे रखा है उसमें से आप घटा दीजिए सत्तावन आपको सन मिल जाएगा है ले लिया आपने चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ वर्ग एक वाले दो विद्यार्थी वर्षा जी के पूरे वर्षा मैडम जी आपको समझ ही नहीं है मैं फिर से बताऊंगा वर्ग एक और वर्ग दो का मैं पूरी तरह से हिंदी व्याकरण समाप्त कर चुका हूं A to Z, पूरी तरह से आखिर तक समाप्त कर चुका हूं एक बार वीडियो देखने की थोड़े से तकलीफ उठाए आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है कुछ भी नहीं छोड़ा है दो महीने में हिंदी साहित्य कंप्लीट करके दिया आप लोगों को और सफलता प्राप्त भी हुई है आपको और क्या किया जा सकता था मेरे द्वारा थोड़ा सा कुछ बोलने से पहले सोचे आप कि दो महीने में कौन कंप्लीट करवा के देगा एक एक पॉइंट मैंने वहां पर लिखाया है कि स्पेशल नेट और सेट और प्रोफेसर को ध्यान में रख के क्लास चला रहा हूं परीक्षा को लेकर ताकि कुछ भी ना छूटे और दो महीने में सिर्फ और सिर्फ और कितने रुपए में आपको यहां तक कि कोर्स लॉन्च किया था दो रुपए तक भी उसको दिया है और क्या कर सकते बताइए आप सब कुछ किया हमने ये सब किया है आपके लिए किया है और अभी भी कर रहे हैं संडे के दिन है यहाँ पर और ये सिर्फ मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ मैं इसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले समय का सदुपयोग हो मेरा स्कूल टाइम रहता है रोजाना निकल के मुझे एक घंटे का भी फुर्सत नहीं रहता है फिर भी पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा जितने ज्यादा मैं कर सकू करने कोशिश करता हूँ उसमें भी बुरे वर्ष कहां से बुरे यार चलिए आगे देखने तो मैं सोता आराम से जबकि सोता मैं नींद पुरी आराम सोता अभी भी है ना थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिए यार कितना कुछ किया गया है आपके लिए कितना कुछ किया जा रहा है और इतना कंटेंट ढूंढ के देखना किसी किताब में मिल जाए और तो मैं कह रहा हूँ नेट जैर किताब खरीद के लाओ अच्छी से अच्छी किताब खरीद के लाओ उसमें भी नहीं मिलेगा आपको ये और अभी तो देखो क्या क्या मैं मिलाने वाला हूँ क्या क्या बताने वाला हूँ इसमें चलिए आगे बढ़िए अगले इस पर आ जाइए अगले प्रश्न पर आ जाइए आगे देखिए अगले पर आएंगे मिश्र बंदों की बात हो गई अब इनके नामकरण पर देख लो कि क्या किसने कौन सा नाम माना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका उमेश यादव जी आ, बिल्कुल आप आ जाइए ऑफिस में मिलता हूँ मैं कहीं नहीं जाता हूँ आपके सामने रहता हूँ हिंदी का प्रथम कवि हो गया है हिंदी के प्रथम कवि के बाद अब आते हैं नामकरण पर ओके चलिए आगे देखिए और आगे देखते हैं अब आते हैं हम हिंदी का आदिकाल का नामकरण आदिकाल का नामकरण जो देखते हैं उसकी बात करते हैं कि किसने किस नाम से जाना है कई सारे लोगों ने इसको अलग अलग नाम से कहकर पुकारा है लेकिन हम देखते नामकरण किसने क्या कहा है आदिकाल का नामकरण अभी तो देखिए इतना तो मिल ही नहीं सकता आप देखना और ये एक जगह से कंटेंट इकट्ठा नहीं हुआ है लगभग आठ या दस किताबें पढ़ने के बाद इतना कंटेंट मिलता है तो उसके बाद मैंने लगभग नागरी सभा काशी को भी पढ़ा मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को भी देखा नगेंद्र के इतिहास को देखा और भी जहां से मिल सकता वहां से कंटेंट हम जुगाड़ कर रहे हैं ये ओके आगे देखिए और अगला देखेंगे अगला के नामकरण होगा सबसे पहले अगर बात करें तो मिश्र बंधु ने क्या कहा मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा फटाफट लिखना अब से एक पहला नाम है मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा दो भागों में बांटा था अलग अलग नाम है मिश्र बंधुओं द्वारा इसे क्या कहा गया आरंभिक काल कहा गया आरंभिक काल कहा गया मिश्र बंधु ने इसे काल कहा मिश्र बंधु ने इसे काल कहा गणपति चंद्रगुप्त नाम है दूसरा गणपति चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा गणपति चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा एक ने आरंभिक काल कहा एक ने प्रारंभिक काल कहा अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे प्रारंभिक काल किसने कहा गणपति चंद्रगुप्त ने कहा आरंभिक काल किसने कहा इन्होंने कहा आरंभिक काल का नाम इनको शून्य काल भी कहा इन्होंने एक नाम और याद रखना शून्य काल भी कहा है शून्य काल किसके द्वारा कहा गया है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा तीसरा नाम देखिए आचार्य शुक्ल आचार्य शुक्ल ने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई थी और उन्होंने दो नाम दिए हैं इन्होंने याद रखना उन्नीस में आदिकाल भी कहा है आदिकाल भी इनके द्वारा कहा गया है लेकिन इनके द्वारा जो कहा गया सबसे प्रमुख नाम है काल। इनके प्रमुख नाम वीर गाथा काल है, हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का और अच्छी तरह से वीर गाथा काल को, को, को प्राथमिकता दी जाती है चौथा नाम देखिये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्नीस में हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद इन्होंने जो माना है है इसे आदिकाल का नाम दिया मतलब स्टार्टिंग होता है दोस्तों आदिकाल का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग का काल होता है उसके अलावा और देखे डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने दो काल माने थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा पर आ जाओ डॉक्टर राम कुमार वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा उन्नीस में और दो नाम दिए इनको शुरुआती शुरुआती सत्र था, भाग को संधि काल कहा संधि काल कहा और दूसरे भाग को क्या कहा चारण काल कहा चारण काल कहा बाकी सारा वर्गीकरण का शुक्ल जी की तरह ही है और भी कई नाम हम देखते हैं राहुल संक्रत्यन देखिए नाम यहाँ पर आता छठा नाम राहुल संक्रत्यन राहुल संक्रत्यन है कंटेंट देखते जाओ आप तो कि क्या मिलेगा ऐसा कहीं वर्ग एक की चिन्ह

के बीच यहीं पर बोए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने कहा कि बीज वपन काल है ये कौन सा काल है ये बीज वपन काल है बीज वपन काल है अभी मैं आपके कमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा जब तक इसको पूरा ना लिखा दूं पूरे नाम लिखाने के बाद आपके कमेंट पर मैं फोकस करूंगा सीधा पढ़ने पर ध्यान दीजिए आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए ओके यहाँ पर आप पूरी तरह से नोट्स बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा और अच्छी तरह से आप जो चीजों को समझ पाएंगे आगे देखिए फटाफट पट, फटाफट आगे बढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नाम देखते हैं स्क्रीन शॉट लेने का समय दूंगा मैं आपको लेकिन पहले नाम देख लेते हैं नोवा नाम पर आते हैं नोवा नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नोवा रहेगा कि सातवा रहेगा भाई आठवा नाम रहेगा आठवां नाम रहेगा आठवां नाम रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका नाम देखिए दोस्तों इन्होंने इसको वीरकाल नाम कहा है इसको इन्होंने वीरकाल कहा है क्या कहा है वीरकाल कहा है वीरकाल कहा है वीरकाल इनको कहा गया है रमाशंकर रसाल या रह के इसे हम कहते हैं राम शंकर शुक्ल भी रसाल भी कहा जाता है दोनों नाम से जाना जाता है उपकाव्य काल इसको कहा गया है कई सारे नामों से जाना जाता है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का नाम लिखो पहले पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ एक नाम याद रखो पृथ्वीनाथ 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 कमल कुलश्रेष्ठ कभी कभी प्रसिद्ध कमल कुलश्रेष्ठ आ जाता है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इन्होंने इसको अंधकार काल कहा है इन्होंने इसको क्या कहा है अंधकार काल कहा है क्या नाम से कहा है अंधकार काल कहा है अंधकार काल के नाम से इसको पुकारा है अंधकार के नाम पुकारा है गियरसन ने इसको क्या कहा गियरसन ने इसको चारण काल कहा है गियरसन ने जो इसको किस नाम से पुकारा है गियरसन ने इसको चारण काल कहा है चारण काल कहा है चारण काल इसको कहा है चारण काल तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा था लेकिन संधिकाल भी कह दिया उनने एक और नाम रुको इसको इधर उधर करना है गिर ने इसको चारण काल कहा है क्या नाम से कहा है चारण काल कहा है कई सारे नाम आपके सामने मिल रहे हैं एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत ज्यादा जरूरी है मोहन अवस्थी व सुमन राजे दो नाम है भाई मोहन अवस्थी मोहन अवस्थी और एक नाम और है इनके साथ में वो है सुमन राजे कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ सुमन राजे को नारीवादी पद्धति के लिए जाना जाता है भैया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है इन्होंने ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास वो इनके द्वारा ही लिखा गया है तो सोम मोहन अवस्थ्य सुमन राजे ने लिखा है इसको आधार काल कहा है किस नाम से पुकारा है आधार काल के नाम से पुकारा है आधार काल के नाम से इसको जाना है और भी कई नाम है और भी कई नाम हैं जैसे बच्चन सिंह धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी तीन नाम लेता हूँ आपस में यहाँ पर लेता हूँ डॉक्टर बच्चन सिंह डॉक्टर बच्चन सिंह डॉक्टर बच्चन सिंह डॉक्टर बच्चन सिंह धीरेन्द्र वर्मा धीरेन्द्र वर्मा डॉक्टर बच्चन सिंह धीरेन्द्र वर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्र शर्मा गुलेरी इन सब के नामों को ध्यान से देखिए इन सब के नाम पर आप देखेंगे तो आप आप ये देखेंगे कि इन तीनों ने एक ही नाम बोला है वह है अपभ्रंशकाल काल क्या नाम बोला है अपभ्रंशकाल कहा है तो तीनों ने एक ही का नाम दिया है अपभ्रंशकाल ओके कितने नाम हो गए बारह नाम हो गए भैया ओके राम खिलावन पांडे राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद शर्मा का नाम लिख लो यहाँ पर एक नाम और राम खिलावन पांडे 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 और एक नाम और यहाँ पर इसी के साथ में लिख लो एक नाम और लिख लो एक नाम और लिख लीजिए यहाँ पर एक हरिश्चंद्र वर्मा हरिश्चंद्र वर्मा हरिश्चंद्र वर्मा हरिश्चंद्र वर्मा इन्होंने इसको संक्रमण काल का नाम दिया है इन्होंने इसको संक्रमण काल का नाम दिया है क्या नाम दिया है संक्रमण काल का नाम दिया है संक्रमण काल का नाम दिया है तो दोस्तों कितना कंटेंट मिलेगा अब आपको बहुत सारा बहुत सारा पढ़ते जाओ बस आप पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ इतिहास गढ़ते जाओ बस यही तो आपको पढ़ना है और यही आपको देखना है और भी नाम है हाँ बिल्कुल और भी नाम है भाई और भी नाम है और देखिए आप तो इसको <coughs> ओके एप्लीकेशन पे स्क्रीन शॉट नहीं हो पाती लेकिन यहाँ स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं यूट्यूब पर आप ले रहे हैं तो बाकी पी डी एप्लीकेशन पर सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाती है और आप भी वहां पर पी ले सकते हैं ओके तो कई सारे नाम है और भी नाम लिख के चर्चा कर लेते फिर एक साथ सारे नामों को रिवाइज करवाऊंगा मैं ठीक है अगला नाम देखो अगला नाम है श्याम सुंदर दास अगला नाम है कौन से नंबर का है ये भाई तेरह हो गए थे तेरह के बाद चौदवा नाम पर नाम है श्याम सुंदर दास और जो नेट की तैयारी करने वाले हैं ना उनको समझ मजा आ जाएगा कि अरे वाह असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले उनको अब मजा आ जाएगा कितना कंटेंट आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा ढूंढने पड़ते हैं ये इन्होंने कहा वीरकाल वीरकाल मूल नाम इन्होंने दिया है और कहीं कहीं पर इनके जिक्र में अभ्रंश काल भी इन्होंने एक माना है अब काल भी नाम इन्होंने माना मतलब कुछ नाम दो दो दो, -दो ने माने जैसे काल पहले भी माना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी वीर काल कह चुके हैं उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है पंद्रहवें नाम पर आएंगे तो शैलेश जेदी करके एक नाम है शैलेश जेदी डॉक्टर शैलेश जेदी है शैलेश जेदी शैलेश जेदी करके नाम है इन्होंने इसको आविर्भाव काल कहा है आविर्भाव काल कहा है आविर्भाव काल कहा है आविर्भाव में याद रखना फर्राटा भापर लगता है आरवी रवा पर नहीं लगता आवी ही धन भाव से बना आविर्भाव काल यानी स्टार्ट होने वाला काल आविर्भाव काल कहा है क्या कहा आविर्भाव काल कहा राम प्रसाद मिश्र कुछ नाम है छोटे छोटे नाम है लेकिन याद रख लीजिए लिख ही रहे हैं राम प्रसाद मिश्र राम प्रसाद मिश्र ने इस काल को जो नाम दिया है उन नाम दिया संक्रांति काल संक्रांति काल नाम दिया है संक्रांति यानी मिक्सअप वाला काल कहा है संक्रांति काल कहा है संक्रांति काल कहा है? है वासुदेव ने इसको उद्भव काल कहा है वासुदेव सिंह इसको किस नाम से पुकारते हैं वासुदेव सीञ, वासुदेव सिंह सिंह इसको उद्भव काल कहकर पुकारते हैं वासुदेव सीञ, वासुदेव सिंह सिंह ने इसको उद्भव काल कहा है उद्भव काल कहा है मैं टिक भी करवा दूंगा किस किस को याद रखना है आपको उद्भव काल तो आप घबराइएगा नहीं इतने सारे याद करने हैं क्या सर कंटेंट सारा शंभुनाथ सिंह शंभुनाथ सिंह ने इसको प्राचीन काल कहा है शंभुनाथ सिंह शंभुनाथ सिंह ने इसको प्राचीन काल कहा है शंबुनाथ सिंह इन्होंने इसको प्राचीन काल कहकर पुकारा है प्राचीन काल कहा है इसको प्राचीन काल काल कहा कहा है है प्राचीन ओके शाम सुंदर कहा है सर वर काल नहीं अच्छा शाम सुंदर ने वीरयुग अरे लिखा वीरयुग काल लिखा हमने वीरयुग भी कहा है और साथ में जो है और क्या लिखा है शाम सुंदर वीरयुग कहाँ है सर वीरकाल नहीं हाँ दोनों वीर युग काल एक ही बात है वो वीर युग और वीरकाल एक ही बात है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर हरीश डॉक्टर हरीश ने डॉक्टर हरीश करके नाम आया है डॉक्टर हरीश डॉक्टर हरीश डॉक्टर हरीश।, हरीश ने इसको जो है उत्तर काल कहा 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 है हो गए नाम इतने सारे और नाम कोई बिछड़ा छूट रहा है क्या वासुदेव सिंह हो गए कई सारे नाम हमारे हो चुके हैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आपस में सभी की सन नेट के लिए स्टार्ट करवा दो हिस्ट्री तो अभी अवेलेबल नहीं है अभी सिर्फ और सिर्फ जो है अंधकार काल नहीं लिखा क्या हमने लिखना होगा ऐसा तो हो नहीं सकता यार हाँ लिखा ना पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ का लिखा है तो एक बार कर लीजिए रिविजन आदिकाल के नामकरण की बात करें तो मैं अब यहाँ से पिंक मार्कर आपके लिए लेकर आता हूँ पिंक मार्कर पर आप फोकस कीजिएगा यहाँ से देखिएगा कितने क्या जरूरी है मिश्र बंधुओं के द्वारा आरंभिक काल कहा है बहुत महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मिश्र बंधु अब प्रारंभिक और प्रारंभिक मुलझते हैं तो गणपति चंद्रगुप्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोनों में उलझ जाते हैं किसको क्या माने आचार्य शुक्ल का तो सर्वमान्य है डबल मोस्ट लगा लो डबल ट्रिपल चार चार ट्रिक कर लो ये सर्वमान्य है आदिकाल और वीर काल दोहरा नामकरण माना है लेकिन प्राथमिकता वीर काल को दी जाती है आचार्य हजारे प्रसाद ने वीर काल में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है तो पहली साइड पे जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको ये सारे महत्वपूर्ण है पहली स्लाइड पे तो कोई सा भी नाम ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ना है आपको पूरे याद रखना है ये किसने किस काल के नाम से पुकारा तो आदिकाल के नाम आप इतने सारे देखेंगे इसके बाद दूसरी साइड पे आते किसने और क्या कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का याद रखना यह अंधकार काल इनके द्वारा कहा गया जो कि अभी पूछा गया था गिर ने चारण काल कहा है ग्यारह युग में बैठा और को एक विविध के रूप में जोड़ा था मोहन अवस्थी और सुमन राजे सुमन राजे को नारीवादी पद्धति के लेखन के लिए जाना जाता है इन्होंने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और बताया कि नारियों के एक तरह से जो उपेक्षा की गई थी उसी को ध्यान में रखकर लिखा सुमन राज्य हरिश्चंद के नाम से पुकारते हैं आगे आते और भी बच्चे हैं श्याम सुंदर इसे वीरयुग काल काल की जगह वीरयुग काल कर लो अभी कमेंट आया था वीरयुग काल या वीर काल के नाम से जानते है। नाम से है। हैं अभ्रंश है। काल भी कहा है शैलेश जयदी एक नाम है आविर्भाव काल कहा है राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल ने एक मिक्सअप वाला काल कहते हैं वासुदेव सिंह आप लोग और अच्छी तरह से इसको देख लीजिए और कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए आदिकाल आचार हजारे प्रसाद बिल्कुल भाई सही बात है अगर पूछा जाए कि आदिकाल का नामकरण सबसे पहले किसने किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लेकिन याद रखना आदिकाल का नामक ग्रंथ लिखा था तीन ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये तीनों आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने 1950 के बाद लिखे हैं बावन में लिखे विशेष करके बावन की शुरुआत यहाँ पर हुई आदिकाल में सबसे ज्यादा काल किया काम किया आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने क्लियर है ये ओके और कोई डाउट तो पूछ लीजिए आप कमेंट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी देख रहे हैं बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा एप्लीकेशन पे नहीं होगा तो इतने सारी बातें हमने की हैं बहुत बढ़िया और गुरु जी वाक्यों कम संयोजन से कल काल से तीन से चार आए थे एक बार करवा दो बिल्कुल मैं करवाऊंगा आपका आप निश्चिंत रहे आपको अब जो है हाँ सर वासुदेव वाला उद्गम कर दीजिए वासुदेव वाला कधर गया हाँ उद्गम काल सॉरी सॉरी उद्गम काल है ये सही बात है भाई उद्गम काल ठीक है मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ बहुत अच्छी बात है अभी सभी जो है लगे हुए हैं उद्गम काल कर लो इसका सही है उद्गम काल उद्भव काल, उद्गम काल एक ही वैसे कोई नहीं वो भी लिखा तो दोनों रूप बनते हैं ओके, उमेश यादव जी है ऑनलाइन क्लास वालों को स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है सर आपको स्क्रीनशॉट लेना भी नहीं है, पे जो देख रहे है ना, उनको नहीं लेना है क्योंकि उनको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन वालों को पीडीएफ मिल जाएगी यूट्यूब पे आपको लिखना है चलिए शिव चौहान यूपी बानवे कानपुर से भी है कोई क्या बात है तो कानपुर उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ लोग जुड़े थे जौनपुर से कुछ जुड़े थे उत्तरा उत्तराखण्ड से भी दो साथियों से मेरा संपर्क हुआ था राजस्थान से झुंझुनू से और कुछ लोग जुड़े थे तो सभी का बहुत बहुत बढ़िया और स्वागत है भैया एम में आपका भी पूरी तरह से चलिए सर ऐसा लगता है कि पूरा दिन आपसे पढ़ते रहे बिल्कुल बोर नहीं होते बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ आप निश्चिंत रहे आपके साथ ही मैं हूँ इतना पढ़ने के बाद कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मैं जल ग्रहण करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं यूपी जौनपुर से हम क्या बात है उमेश यादव जौनपुर से है शिव चौहान कानपुर से है क्या बात है स्वागत भाई सभी का अब लिखिए आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य हेडिंग डालो आदिकाल की गुरुजी जी रूढ़ीवाद का मतलब क्या है रूढ़ीवाद का मतलब जो परंपराएं चली आ रही मान्यता है जो कि सही नहीं और चली आ रही है रूढ़ी ऐसी धारणा धारणा ऐसी जो जैसे हमने कहा ना लड़कों को घर के काम नहीं करना चाहिए लड़कियों को घर के बाहर जो है नौकरी के लिए नहीं भेजना चाहिए रूढ़ी परंपरागत ऐसी चीजें हैं ओके जी सर मैंने हिंदी का पूरा मौसम बना लिया तो ओके चलिए आगे देखिए हिंदी आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य आदिकाल के संदर्भ में विशेष तथ्य के संदर्भ में विशेष तथ्य संदर्भ में विशेष तथ्य आदिकाल के संदर्भ में विशेष तथ्य आदिकाल के संदर्भ में विशेष तथ्य यहां पर हम देख रहे हैं तो कई सारे कंटेंट में आप जो दोस्तों याद रखना जल्दबाजी में या कई बार क्या होता है कई सारी चीजें हम जब इतने सारे लिखते हैं ना तो एक आध एक आध कुछ कम थोड़ी बहुत इरर अगर हो जाए तो आप जरूर सूचित कर आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर आप चैट बॉक्स में आप जो है कमेंट अपने डाल सकते हैं और वहां पर कमेंट छोड़ सकते हैं ओके okay? आगे देखिए देखो स्टेटमेंट है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट याद रखिएगा क्या है एक स्टेटमेंट सबसे पहले है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य ये सेंटेंस पूछे जाते हैं कई बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद ही कर दिया मैंने आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल को आदिकाल को आदिकाल को अत्यधिक आदिकाल को, आदि को अत्यधिक 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 विरोधो अत्यधिक विरोधो विरोधो वी एवं एवं व्याघात का काल मना है व्याघातों का युग कहा है व्याघातों का युग कहा है व्याघातों का, का, का युग कहा है यह स्टेटमेंट याद रखना में किसने कहा है कि व्याघातों का युग है युग कहा है व्याघातों का युग कहा है इसका मतलब क्या है कि आदिकाल जो रहा है ना इसमें बहुत ज्यादा राजा का हो रहा है दूसरे राजा से कोई राजा की प्रजा विरोध कर रही है राजा का बेटा विरोध कर रहा है तो आदिकाल में ऐसी घटनाएं ज्यादा रही वी और आघात आघात मतलब प्रहार करना चोट पहुंचाना या सही लड़ाई झगड़े वाले जो है ये वादा जो है चीज ज्यादा रही है ओके चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल आराम से आप देखिए आदिकाल को अत्यधिक विरोधों का युग कहा है और कई प्रकार रूप से देखेंगे और कई प्रकार से देखें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा यह तो विरोधों का काल है सबसे ज्यादा विरोध इसी में देखने को मिले हैं विरोध और व्याघातों तो का युग कहा है विरोध मतलब टकराव वाला काल व्याघात मतलब किसी पर आघात प्रघात करना एक प्रकार से ऐसे युग कहा गया इसको दूसरा क्या है दूसरा स्टेटमेंट लिख लो डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया है स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ से वापस से डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट आपके सामने आने वाला है इन्होंने क्या कहा भैया तो इन्होंने के कथन को मैं सीधे लिख रहा हूं ऐसा का वैसा भाषा की दृष्टि से 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 हम किसके बारे में लिख रहे हैं स्टेटमेंट लिख रहे हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाओ अपभ्रंश का बढ़ाओ अपभ्रंश का बढ़ाओ बढ़ाओ विकसित रूप अपभ्रंश का बढ़ाव बढ़ाओ इसको विकसित रूप भी कह सकते हैं अपभ्रंश का बढ़ाओ यानी कि विकसित रूप भाषा की दृष्टि से अभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप अभ्रंश का बढ़ाव यानी कि विकसित रूप दूरूर। विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है हिंदी साहित्य का आदिकाल है हिंदी साहित्य का आदिकाल है हिंदी साहित्य का आदिकाल है।, है।, है तो आदिकाल किसे कहा है तो जो अभ्रंश का बड़ा हुआ रूप है ना उसे क्या कहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा गया है तो दोस्तों अब जब भी कोई स्टेटमेंट लिखा जाता है मैं कुछ और काम की चीज बता रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर जो है यहाँ पर याद रखिए नेक्स्ट क्लास कब लगेगी एप्लीकेशन पे कमेंट आया है नेक्स्ट क्लास रोजाना लग रही है सुबह सात बजे हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है उसी की मैंने आज संडे को लेकर यूट्यूब पर इसको रखा है मतलब ये क्लासेस रोजाना एप्लीकेशन पर चलती हैं और संडे को टेस्ट होगा या फिर क्लास होगी ये निश्चित रखिए तो यहाँ पर मतलब अब एक भी दिन आपको फ्री नहीं रहेंगे साथ में अब मैं है पाँच अप्रैल से आपको एप्लीकेशन पे दो दो क्लास मिलेंगी फिर उसके बाद मई में आपको एप्लीकेशन में तीन तीन मिलेंगी अभी आपको हिंदी जो है साहित्य ऑनलाइन मिल रहा है उसके बाद व्याकरण की क्लास में पाँच अप्रैल से लेकर आ रहा हूँ एप्लीकेशन पर आपके लिए ही ताकि आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सके तो एप्लीकेशन पर रोजाना चल रही है क्लासेस ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है चल रही है भैया और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए अब जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट आते हैं पूछे जाते हैं और कई बार आता भी है आगे देखिए ओके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने आगे देखिए और अगले प्रश्न पर बात करते हैं अगले पर आ जाइए अगला क्या कहा है स्टेटमेंट बहुत काम के होते थोड़े बोरिंग जरूर होते हैं आदिकाल को शुक्ल जी ने 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 शुक्ल जी ने आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट 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 ओ अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है या काल का लोक प्रवृत्ति प्रवृत्ति का युग कहा है का युग कहा है युग कहा है इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो शुक्ल जी है उनका मानना है कि जो अनिर्दिष्ट है निर्दिष्ट मतलब दिया गया अनिर्दिष्ट मतलब निर्देशित नहीं किया गया था ऐसी लोक प्रवृत्तियों का काल कहा है जो कि स्पष्ट नहीं थी ऐसी अस्पष्ट लोक प्रवृत्तियां जो उस समय चल रही थी उसका काल ही आदि काल है देखिए और यहां पर जो है आप देखिए ध्यान से हा एक चीज मैंने नोटिस की है एप्लीकेशन वाले और इन दोनों बच्चों में कल से या कई दिनों से देख रहा हूं मैं कि जो बच्चे हैं एप्लीकेशन पे थोड़े से बिल्कुल पूरा फोकस पढ़ाई पे करते हैं और ये यूट्यूब पर जो बच्चे आते हैं कुछ बच्चे थोड़ा सा कुछ नहीं कुछ बच्चे कुछ बच्चे हो गया आपस में बातचीत शुरू हो जाए तूने नोट्स बना लिया तू तो आंसर नहीं देता यही चल रहा है अभी देखो वापस से <laughs> चलो कोई बात नहीं 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 किसी को ब्लॉक नहीं करना है भाई कोई दिक्कत नहीं है आप तो आराम से पढ़िए पढ़ना जरूरी है ओके चलिए आगे देखिए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का काल कहा है कुछ पॉइंट और लिख लो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने गुलेरी ने उसने कहा था बुद्धू का कांटा ये कई सारी कहानियां लिखी इन्होंने चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को अपभ्रंश को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का काल कहा है 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 अब्रंश को पुरानी हिंदी का काल कहा है आचार्य शुक्ल ने फटाफट लिखते जाएंगे आप तो आचार्य शुक्ल ने आचार्य शुक्ल ने आचार्य शुक्ल ने आचार्य शुक्ल ने आचार प्राकृत भाषा सिंध का काल कहा है प्राकृत भाषा प्राकृत आभास प्राकृत आभास प्राकृत का आभास होता है इस पे प्राकृत आभास हिंदी का काल हिंदी का काल कहा है प्राकृत आभास हिंदी का काल कहा है तो अलग अलग नामों से पुकारा है बस और कुछ नहीं है आपको इतना याद रखना है ओके चलिए आगे देखते हैं और अगला पे आते हैं अगले पर आइए आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य जो है इसके बारे में एक दो कथन और देख लो ताकि आगे आप याद रखिए अगला लिख लीजिए एक और स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखेंगे वापस से स्टेटमेंट पे आते हैं इससे लिख लेता हूँ स्टेटमेंट आदिकाल 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 आदि आखिरी में पहुंच रहे हैं हम अब लगभग आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य समस्त हिंदी साहित्य आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आदिकाल का, का समस्त हिंदी साहित्य आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य युद्ध और आक्रमण युद्धों का प्रभाव आक्रमण आक्रमण और, 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 और युद्धों की आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की युद्धों के प्रभाव की प्रभाव की मन स्थितियों मन स्थितियों मन स्थितियों का मन स्थितियों का काल है मन स्थितियों का मन स्थितियों का प्रतिफलन है भी कह सकते हैं का काल है या फिर प्रतिफलन है प्रतिफलन है बहुत बड़ा सेंटेंस है और पूछा जाता है नेट में विशेष करके भाई साहब इन्होंने क्या कहा एक बार फिर से देखिए जो आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य है ना वो तो आक्रमण और युद्धों के प्रभाव से जो उत्पन्न स्थितियां हुई थी उसका परिणाम है और बहुत सारे आक्रमण हुए बहुत सारे जो है अम युद्ध हुए आक्रमण और उनके प्रतिफल से जो कंडीशन या परिस्थितियां निर्मित हुई उसी का प्रतिफल है ये अब पूजा जी बोलिए आपका क्या क्या डाउट है है मैथ्स की क्लास नहीं लग रही वो आप आप एप्लीकेशन पर पर जो है देख रहे हैं आप इसके लिए ऑफिस के नंबर कॉल करके पूछे तो बहुत अच्छा लगेगा आगे देखिए एक आया था वर्ग एक में पिछली बार एक स्टेटमेंट पूछा था देखना वो जो एग्जाम मैंने दी थी क्वालिफाइड मैंने किया था उसमें ये पूछा गया था क्या स्टेटमेंट था देखिए आचार्य शुक्ल का था स्टेटमेंट आदिकाल का समय तो यहां से लिखेंगे आदिकाल का समय आदिकाल का समय आदि काल का समय आदि काल का समय आदि काल का समय का महाराजा भोज महाराजा भोज का के समय से लेकर महाराजा भोज के समय से लेकर समय से लेकर महाराजा भोज के समय से लेकर महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव हमीर देव के समय से 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 समय से समय से समय से कुछ पीछे तक कुछ हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक का माना जाता है पीछे तक माना जाता है पीछे तक माना जाता है ये वर्ग एक में पूछा गया और भाई साहब जिनने भी एग्जाम दी होगी पिछली बार या पेपर लगाया होगा मैंने वैसे इसका प्रैक्टिस करवाया था तो ये आपने अच्छी तरह से देखा पूछा जा चुका है और उसमें कथन था आचार्य शुक्ल जी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बीच में थोड़ा सा निरस्ता भी आती है साहित्य है ये कुछ जगह पर बहुत मजा आएगा आपको कुछ जगह पर निरस्ता भी आएगी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया और आगे देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सभी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है कितने शानदार और शांत चित्त होकर आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लगता है देखकर ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहें तो अच्छा रहेगा और काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है लगभग लगभग अब हम यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे और लगभग नए आयाम नए यहाँ यस कोई दिक्कत तो नहीं है अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दूसरा भाग और हाँ चलिए आगे देखिए खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है देखो खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में मेरे खुशरों का नाम आता है लेकिन खड़ी बोली के प्रथम कवि को लेकर बहुत सारे भ्रम बनते हैं किसे माना जाए किसे नहीं माना जाए कोई सदल मिश्र को मानता है कोई लल्लू को मानता है लेकिन अगर हम देखें या सभी सारांश तत्व बोले तो कवि और लेखक इन दोनों में अंतर रहेगा तो खड़ी बोली पे भी आता हूँ मैं अभी आप निश्चिंत रहे और आपको जो और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा अपना आप आपके डाउट क्लियर हो जाएगी कि कौन सा कवि मानना है कौन सा नहीं मानना है अभी एक बार स्क्रीन शॉट लेख लीजिए जिनने नहीं लिया है कंटेंट बहुत भारी मात्रा में मैंने आपको दिया है शुरुआत से मैं एक बार फिर से ये पहली क्लास का पहला भाग है शुरुआत से यहाँ देख लीजिए मैं एक बार फटाफट पट, फटाफट पट एक बार रिकॉल कर देता हूँ याद रखिएगा रोजाना क्लास चलती है सुबह सात बजे एप्लीकेशन पर क्लास चलती है संडे भी विशेष क्लास रहेगी और एप्लीकेशन पर अभी हिंदी साहित्य लाइव चल रहा है उसके बाद हिंदी साहित्य के बाद हिंदी व्याकरण भी आपको लाइव चलने वाला है पाँच अप्रैल से पाँच अप्रैल से हिंदी व्याकरण भी एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाला है उसी के बाद मैं काव्यशास्त्र भी एप्लीकेशन पर एक क्लास मई के माह में लेकर आऊंगा तो कई सारे नाम आपके सामने फटाफट देखीजिए क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक क्या क्या हमने देखा हिंदी की प्रथम रचना को देखा शावुकाचार है उसके बाद देखे प्रथम रचना हो गई उसके बाद हिंदी के आदिकाल की समय सीमा हो गई उसके बाद नामकरण हो गया उसके बाद देखिए नामकरण में कई सारे नाम थे जो हमने पढ़े हैं देखे हैं विशेष तथ्य देखे विशेष तथ्य क्या क्या थे ये देखे अब हमने आदिकाल को लेकर बहुत सारी बातें देख ली है आगे और देखिए आगे हम पढ़ रहे थे महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के पीछे तक का समय आदिकाल माना जाता है ओके चलिए अमिर खुसरो अमीर खुसरो अलग अंत संदर्भ में रहेंगे भाका के पहले कवि है है ना प्रयोग गुलेरी जी भी नहीं है आता हूं मैं उस पर है ना ठीक है आप यहाँ गुलेरी जी को नहीं माना जाएगा गुलेरी जी बात के रहे भैया गुलेरी जी को ये अलग अलग लोग अलग अलग मत मानते हैं इसीलिए वहां पर अभी हम ना जाएं तो ठीक है उलझना नहीं है पढ़ते जाओ समझ जाओ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा चलिए आगे नाले हिंदी साहित्य की काव्य धाराएं है।, है आदिकाल की साहित्य की आदिकाल की काव्य धाराएं आदिकाल की काव्य धाराएं आदिकाल की काव्य धाराएं आदिकाल की काव्य धारा है आदिकाल की काव्य धारा है और यहां से हम पढ़ना है आदिकाल की काव्य धारा आदि काल को कैसे पढ़े किस तरह से पढ़ा जाए इसको लेके शॉर्ट में संक्षिप्त हम देखेंगे इसको बांटना पड़ेगा तो कितनी तरह से बांट सकते हैं आदिकाल की काव्य धारा है आदिकाल की काव्य धाराओं को हम बांटते हैं सबसे पहले अगर हम आदिकाल पे आते हैं तो इसको हम वर्गीकृत करना है भैया वो सबसे पहले वर्कत करने के लिए क्लाइन खींच लेता हूं मैं यहाँ पे आसान सुविधा की दृष्टि से हम क्या करेंगे अब किसी के अनुसार नहीं अपने हिसाब से चल रहे अब आदिकाल की काव्य धाराएं कितने भागों में बांटा जाए कैसे पढ़ा जाए आदिकाल को ये देखिए तो सबसे पहला अगर हम देखें या सबसे पहला जो रूप अगर देखने को मिलेगा वो रहेगा सिद्ध साहित्य क्या रहेगा सिद्ध साहित्य सबसे पहले साहित्य अगर है वो सिद्ध साहित्य है सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य के बाद अगर बात करें दूसरे साहित्य की या दूसरे रूप की तो दूसरा रूप रहेगा नाथ साहित्य दूसरा रूप जो रहेगा वो रहेगा नाथ साहित्य तो दूसरा रूप रहेगा नाथ साहित्य नाथ साहित्य ये दूसरा रूप है दूसरा रूप है तीसरे रूप की बात अगर हम करें तो तीसरा रूप जो रहेगा तीसरा रूप जो रहेगा तीसरा रूप नाथ साहित्य के बाद तीसरा रूप आएगा हमारा रास साहित्य रास साहित्य रास साहित्य रास साहित्य रास साहित्य रास साहित्य चौथे रूप पर अगर हम आते हैं और चौथे रूप को अगर हम देखें तो चौथा रूप जो मिलेगा वो मिलेगा हमें रासो साहित्य रासो साहित्य रासो साहित्य रासो साहित्य पांचवे रूप की अगर हम बात करेंगे और पांचवे रूप पर अगर हम आएंगे तो रासो साहित्य के बाद जो रहेगा वो लौकिक साहित्य रहेगा भैया लौकिक साहित्य कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा लौकिक साहित्य लौकिक साहित्य लौकिक साहित्य रहेगा कौन सा रहेगा, रहेगा? लौकिक साहित्य लौकिक साहित्य पांचवा हो गया अब छठे पर अगर हम बांटेंगे तो छठा रहेगा गद्य साहित्य छठा जो रहेगा और है गद्ध साहित। गद्ध साहित। गद्ध साहित। और एक साहित्य, 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 इसी के बाद इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हैं वो रहेगा आखिरी और अंतिम रूप रहेगा वो रहेगा अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश साहित्य तो इतने तरीके से या इतने भाग में हम आदिकाल को बांटकर पढ़ सकते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहेगी तो ये है नंबरिंग कर देते हैं इसकी हम कितने भागों में बांटकर हमें पढ़ना है तो सिद्ध साहित्य सबसे पहले पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य पढ़ने के बाद नंबर दो पर नाथ साहित्य पढ़ेंगे नंबर तीन पर राज साहित्य पढ़ेंगे नंबर चार पर रासो साहित्य पढ़ेंगे नंबर पांच पर लौकिक साहित्य पढ़ेंगे नंबर छह पर गद्य साहित्य पढ़ेंगे और नंबर सात पर हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे इतना सारा हमें पढ़ना बाकी है और हाँ ये राज साहित्य जैन साहित्य में आ जाएगा राज साहित्य जो हमारा कौन सा जैन साहित्य है इसी में आ जाएगा ये मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ये जैन साहित्य कौन सा साहित्य जैन साहित्य राज साहित्य को जैन साहित्य कहा जाता है और कोई डाउट आप किस जैन साहित्य जैन साहित्य जैन साहित्य ओके ओके आपकी क्लास का टाइम यूट्यूब पे यूट्यूब पे ये नहीं रहेगी ये क्लास मुख्य रूप से रहेगी हाँ सर हाँ सर सीधर पाठक है सही कहा सीधर पाठक तो है मुख्य रूप से सीधर पाठक ही है अगर खड़े बोले का प्रथम कवि माना जाए तो शुद्ध और विशुद्ध रूप से मुख्य रूप से कौन माना जाएगा श्रीधर पाठक लेकिन अमीर खुसरो भी माने जाते हैं डिपेंड ऑन ऑप्शन वाला चीज रहेगा मैं वहां पर बताऊंगा ज्यादा सही रहेगा अभी शीधर पाठक मान के चलो आप ज्यादा सही है तो इतना हमें पढ़ना है और इतना हमें देखना है इसमें हम बात कर रहे हैं आदिकाल की काव्य धारा जिसमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे फिर नाथ साहित्य पढ़ेंगे फिर रास साहित्य जिन्हें जैन साहित्य भी कहा जाता है फिर रासो साहित्य है फिर लौकिक साहित्य है फिर गद्य साहित्य है अप्रंथ साहित्य इतना हमें बहुत कुछ पढ़ना अभी बाकी है अभी इतिहास गढ़ना बाकी है अभी प्रोफेसर बनना बाकी है लेक्चरर बनना बाकी है वर्ग का टीचर बनना बाकी है ना अभी तो चलिए आगे देखिए अगले पर आते हैं सिद्ध साहित्य क्या है भाई पहला हेडिंग डालो अब यहां पर सिद्ध साहित्य बहुत सारी बातें सिद्धों के बारे में आज मैं करने वाला हूँ आपके सामने तो अब बस कमर कस लीजिए वापस से अब सिद्ध साहित्य अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और समझिए कि अब स्टार्ट हुआ है अब सिद्ध साहित्य आ जाइए सिद्ध साहित्य याद रखना इसके आगे जब क्लास छूटेगी या बचेगा जो भी कुछ पार्ट तो उसको मैं वापस एप्लीकेशन पर ही कंटिन्यू करवाऊंगा मतलब क्लास छूटेगी बीच में कोई ड्रॉप नहीं रहेगा रोजाना क्लास चलेगी अब मैंने सोच लिया है कि अगर मैं बीमार भी हो जाऊं तो भी क्लास चलेगी भैया क्योंकि मुझे करवाना है कंप्लीट और आपको जो है सिलेक्शन दिलाना ही एक लक्ष्य निश्चित तौर पर आपको बातें नहीं कर रहा हूँ मेरा एक और एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप सफल हो और सफलता प्राप्त जब होती विशेष करके वर्ग तीन में जब इतने बम्फर सिलेक्शन हुए साढ़े चार सौ में से लगभग चार सौ तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ और सब बच्चे जब आए उस समय जो भावना मेरे अंदर आई या जो फीलिंग्स आई या संस्थान के अंदर आई उसके बाद मुझे लगा कि सबसे बड़ी सफलता व्यक्ति की यही है कि इतने घर खुश हैं इतने घरों में खुशियों की बोछार आई है या बाहर आई है उस दिन से मुझे लगा कि भाई नहीं सबसे बड़ी संपत्ति जीवन में अगर ये है तो खुशियों को प्रदान करना दूसरों को इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बस और बस लगे रहे केवल ठीक है चलिए ओके ओके आगे देखिए सिद्ध साहित्य में आ जाइए सिद्ध साहित्य क्या है भाई दो शाखाएं होती बौद्ध धर्म में एक महायान हीनयान दो शाखाएं होती एक वज्रयान शाखा के रूप में जिसको जाना जाता है शायद महायान को ही जाना जाता मुख्य रूप से तो वज्रयानी जो उन्हें सहजयान भी कहा जाता है उन्होंने किया कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ रचनाएं लिखी वज्रयानियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ रचनाएं लिखी उन रचनाओं को ही हम सिद्ध साहित्य में रखते हैं उन रचनाओं को भी हम गेपन की शुरुआत जो है किसने की ये एक अच्छा प्रश्न है ज्ञापन की शुरुआत मुझे लग रहा है विद्यापति से होना चाहिए कंफर्म नहीं है एक बार चेक करना पड़ेगा लेकिन विद्यापति से होना चाहिए क्योंकि इनको अभिनव जयदेव के रूप में भी जाना जाता है इनको अभिनव जयदेव की उपाधि भी दी गई है एप्लीकेशन पर यह प्रश्न था आगे देखिए हाँ देखिए पर लिखेंगे परिभाषा है आदि काल में या यूं समझ लीजिए बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म के वज्रयानियों के द्वारा एक शाखा है वज्रयान के वज्रयानियों के द्वारा वज्रयानियों सहजयान भी कहते हैं इनको वज्रयानियों के द्वारा वज्रयानियों के द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयानियों के द्वारा वज्रयानियों के द्वारा अपने धर्म अपने धर्म अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो रचनाएं लिखी गई जो रचनाएं लिखी गई जो साहित्य लिखा गया जो साहित्य लिखा गया जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया जन भाषा में लिखा गया जन भाषा में, में, में लिखा गया उसे ही सिद्ध साहित्य कहा जाता है लिखा गया जन भाषा में लिखा गया जन भाषा में लिखा गया उसे ही उसे ही उसे ही उसे ही सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है उसे ही सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है उसे ही सिद्ध साहित्य के, के नाम से जाना जाता है के नाम से जाना जाता है के नाम से जाना जाता है तो जो साहित्य किस धर्म प्रचार से लिखा किस उद्देश्य से लिखा गया था अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है उन्होंने एक शुरुआत की एक रचना की शुरुआत की या यूं कहें कि उस साहित्य लिखने की शुरुआत की उसे ही जो है एक तरह से यूं कहा गया कि सिद्ध साहित्य कहा गया अब समय सीमा देख लो इसकी समय सीमा समय सीमा या अवधि टाइम पीरियड क्या रहा है इसका समय सीमा तो समय सीमा इसकी शुरुआत लगभग सातवीं आठवीं सदी से होती है और ये लगभग इनका प्रभाव तेरहवीं सदी तक रहता है प्रभाव इनका लंबे समय तक रहता है आठवीं सदी से आठवीं सदी से सदी से तेरहवीं सदी तक तेरहवीं सदी तक तो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसको कहा गया वज्र यानी शाखा या सहज यानी शाखा जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया कुछ साहित्य लिखा उस साहित्य को कहा जाता है मुख्य रूप से उस साहित्य को है कहा गया है सिद्ध साहित्य अब साहित्य का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है बड़ा विवाद है इसमें 1907 में भी कुछ लोगों ने नेपाल जाके इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की आ, और एक चौदवी सदी में वर्ण रत्नाकर का नाम का ग्रंथ लिखा ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने गद्य ग्रंथ था उसमें भी सिद्धों की जानकारी मिलती है और आचार्य राहुल संक्रात्यन जी ने भी क्या किया वहां पर काफी जो है इनका काम किया और उनके रचनाओं का संकलन करने का काम किया एक बार हम देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें तो लिखिए अगला पॉइंट है अगला है सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी सिद्धों के बारे में सिद्धों के बारे में सिद्धों के बारे में सिद्धों के बारे में सब सर्वप्रथम जानकारी सर्वप्रथम सर्वप्रथम जानकारी 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 वर्ण रत्नाकर याद रखना ना गद्य ग्रंथे गद्य साहित्य पढ़ेंगे तब नाम आएगा ये वर्ण रत्नाकर का नाम आएगा ये वर्ण रत्नाकर और उक्ति उक्ति प्रकरण दो नाम आते हैं ये लिखा किसने था ज्योतिरेश्वर ठाकुर ज्योतिरेश्वर ठाकुर ज्योतिरेश्वर ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने यह लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने चौदहवी सदी में लिखा है उसमें सबसे पहले इनके बारे में वर्णन किया है सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ण रत्नाकर से मिलती है मतलब उससे पहले जानकारी कहीं मिली नहीं है से मिलती है से मिलती है तो वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले जानकारी इसकी मिली है जानकारी मिली है कि हाँ सिद्ध थे ऐसा सिद्धों के प्रमुख केंद्र कहाँ थे भैया बिहार और विशेष करके जो नेपाल वाला इलाका है ये लगा हुआ है वहीं पर था सिद्धों के प्रमुख केंद्र सिद्धों के प्रमुख केंद्र सिद्धों के प्रमुख केंद्र भाई उधर ही था महात्मा गौतम बुद्ध का आप देखेंगे तो पूरा बिहार वाला पट्टा जो है उधर ही इनको प्रमुखता से देखने को मिला था तो सिद्धों के प्रमुख केंद्र देखिए कहाँ पर है आप देखेंगे नालंदा जो बड़े बड़े क्षेत्र थे उन पर मान सकते हैं नालंदा नालंदा यहाँ तक्षशिला विक्रमशिला में भी इनका प्रभाव देखने को मिला है नालंदा विक्रमशिला 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 नेपाल बिहार बिहार नेपाल बिहार यहाँ पर इनका देखने को मिला उड़ीसा में भी देखने को मिला है उड़ीसा तक भी इनका प्रभाव रहा है और बाद में भोर देश की ओर चले गए यहाँ से छोड़कर जो इधर से चले गए विशेष करके प्रस्थान कर गए है ना सिद्ध कहीं चले गए और याद रखना सिद्धों के बारे में सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त करने का काम किसने किया हर प्रसाद शास्त्री ने किया है तो अगला पॉइंट यहीं से बनेगा सिद्धों के बारे में अगला पॉइंट है सिद्धों के बारे में सिद्धों के बारे में सिद्धों के बारे में सिद्धों के बारे में बारे में सर्वप्रथम 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 हर प्रसाद शास्त्री एक नाम याद रखना दोस्तों यहाँ सर हर प्रसाद शास्त्री ने हर प्रसाद शास्त्री हर प्रसाद शास्त्री ने हर प्रसाद शास्त्री ने शास्त्री ने ने नेपाल से नेपाल से नेपाल से नेपाल से विस्तृत जानकारी प्राप्त की विस्तृत जानकारी प्राप्त की विस्तृत जानकारी प्राप्त की विस्तृत जानकारी प्राप्त की विस्तृत जानकारी ने कहा से प्राप्त की नेपाल से प्राप्त की हरप्रसाद शास्त्री ओके हाँ, सुद्ध सिद्ध को मुख्य पूर्व में है हाँ वर्ण रत्ना कर गद्य में बिल्कुल उक्ति युक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की हो गई एक रोडा कवि ने लिखा है रोडा कवि ने शिलाओं पर रचना लिखी है वो हो गया उसके बाद उक्ति युक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना हो गई गद्य में तीन नाम आते हैं एक तो रोड़ा कवि आता है एक ज्योतिरेश्वर ठाकुर आते हैं और दामोदर शर्मा आते हैं ये तीन आदिकाल के प्रमुख गद्यकार रहे हैं ओके okay? तीन नाम है तीनों नाम है एक बार फिर बताता हूं एक तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर दामोदर शर्मा और एक रोड़ा कवि इन तीनों को गद्यकार माना गया है विशेष करके उस युग का स्क्रीनशॉट ले लो इसका आगे बढ़ते हैं तो याद रखो जो बौद्ध धर्म है उसकी शाखा को सिद्ध साहित्य के लिए जाना जाता है या सिद्धों के रूप में समझा जाता है सिद्ध के रूप में माना जाता है इन्हें विशेष करके अपने धर्म के प्रचार के लिए ग्रंथ लिखे ये मुख्य रूप से पूर्व जो आपका बिहार वाला क्षेत्र है उससे लगे हुए क्षेत्र के आस रहे हैं और सर्वप्रथम जो है जानकारी कहाँ से मिलती है ज्योतिरेश्वर ठाकुर से लेकिन जानकारी इकट्ठा किसने की दोनों में अंतर है जानकारी मिलती कहां से वर्ण रत्नाकर से वो जानकारी एकत्रित करने का काम किसने किया है वो काम किया हर प्रसाद शास्त्री ने हाँ बिल्कुल सर वज्रयान शाखा से नाथ संप्रदाय का भी विकास हुआ है कहीं पढ़ा था बिल्कुल सही कहा आपने चंदा मीणा जी वज्रयान शाखा से नाथ संप्रदाय होंगे और जो गोरखनाथ है ना वो गोरखनाथ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिद्धों में भी शामिल है और नाथ में भी शामिल हो आगे पढ़ाने वाला हूं मैं ओके आगे देखिए और आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अगला पॉइंट है मैं आगे लिखा देता हूं अगला पॉइंट देखिए हर प्रसाद शास्त्री ने हर प्रसाद शास्त्री ने आ रहा हूँ सारे पॉइंट पर मैं ये आए हुए प्रश्न है सभी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ विशेष करके नेट वाले और प्रोफेसर वाले बच्चे ध्यान देंगे वर्ग एक की परीक्षा वाले ध्यान देंगे हर प्रसाद शास्त्री ने सन 1917 में सन 1917 में सन 1917 में सन 1917 ईस्वी में सन 1917 सौ सत्रह हर प्रसाद शास्त्री ने सन 1917 सत्रह ईस्वी में सिद्धों की सिद्धों की सिद्धों की वाणियों का संकलन सिद्धों की वाणियों का संकलन सिद्धों की वाणियों का संकलन वाणियों का संकलन सिद्धों की वाणियों का संकलन सिद्धों की वाणियों का संकलन सिद्धों की वाणियों का, का संकलन किस नाम से किया है बोध गान दोहा बोध गान दोहा के नाम से बौद्ध आन ओ दोहा के नाम से किया है बौद्ध आन ओ दोहा के नाम से बौद्ध गान ओ दोहा ओ दोहा के नाम से इन्होंने इसका संकलन किया है के नाम से किया ओ दोहा के नाम से किया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हर प्रसाद शास्त्री ने जानकारी एकत्रित की और उन्होंने सत्रह में ग्रंथ लिखा के नाम से किया है के नाम से किया है हर प्रसाद शास्त्री की बात हो रही है बोध गान दोहा के नाम से किया है सिद्धों की संख्या की बात करें तो सिद्धों की विशेष बात एक और खास बात क्या है सिद्धों की संख्या सिद्धों की संख्या देखो चौरासी सिद्ध हुए भैया सिद्धों की संख्या कितने हुए हैं सिद्धों की संख्या अगर देखो तो सिद्धों की संख्या सिद्धों की संख्या जो है वो टोटल सिद्ध 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 हुए सिद्ध हुए सिद्ध हुए हैं हैं सरप्पा विशेष करके अपने नाम के पीछे पा लगाते थे याद रखना चार महिलाएं भी हुई हैं चार महिलाएं भी इनमें देखने को मिले हैं सिद्ध में जो पुरुष होते थे ना सिद्ध में पुरुष या सिद्ध में पुरुषों को योग ही कहा जाता था सिद्ध पुरुषों को सिद्ध पुरुषों को योगी कहा जाता था पुरुषों को योगी कहा जाता था योगी योगी कहा जाता था योगी कहा जाता है तथा तथा महिलाओं को तथा महिलाओं को तथा महिलाओं को योगिनी कहा जाता है महिलाओं को योगिनी कहा जाता है जोगनिया बोलते ना महिलाओं को योगनी कहा जाता है या योगनिया कहा जाता है योगनिया जोगनिया बोलते ना जोगन जोगजोगन ऐसा बोलते हैं योगनिया कहा जाता है याद रखना इन्होंने काम वासना है, सेक्स को एक तरह से पूरी तरह खुली छूट दे रखी थी योगनिया कहा जाता है तो इसीलिए आपने देखा होगा योगनी वो जो पूरी तरह से योगी की हो जाए यहाँ पर तो अर्थ ही बदल गया इन्होंने जो है हाँ, संभोग को गलत नहीं माना है संभोग को इन्होंने किसी प्रकार से गलत नहीं माना है तो सिद्ध में पुरुषों को या सिद्ध पुरुषों को योगी कहा जाता है और महिलाओं को योगनी कहा जाता है और कुल चार महिलाओं या चार योगनियों का वर्णन मिलता है राहुल संक्रात ने कुल कितने माने हैं चौरासी सिद्ध माने याद रखना भैया चौरासी सिद्ध माने किसने माने ये एक अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने याद दिलाया राहुल संक्रात ने कितने सिद्ध माने हैं सांकृत्यायन ने कुल चौरासी सिद्ध माने हैं और कुल कितनी महिलाएं हुई हैं महिलाएं हुई हैं चार महिलाएं हुई हैं तो अगले पॉइंट पर देखो आगे देखिए चार योगनियां भी हुई हैं चार योगनिया योगनिया सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती हैं योगनिया जो मानी गई हैं वो इस प्रकार है जो मान्य है जो मान्य है कौन कौन है चार योगनियों के नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर ओके चौरासी सिद्ध हैं चार महिलाएं हैं महिलाएं है भी योगनिया बन गई जोग बन गई और इन्होंने याद रखना नाथों ने पूरी तरह से जो काम भावना थी या संभोग भावना उसको नाथों ने गलत माना था जबकि ये तो पूरी तरह से जो है सही मानते थे याद रखना लिंग और योनि की पूजा करने के लिए इनको जाना जाता है लिंग और योनि की भी पूजा ये करते थे जबकि नाथ तो पूरी तरह से विरोध में थे उनके वज्रयान में जो वज्र होता ना कांटा जैसा रूप रहता वो लिंग का ही पर्याय या पर्याय है ओके चलिए देखें ओके हाँ एप के स्टूडेंट कहाँ है ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा एप वाले बच्चे बहुत शांति से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है ये अच्छा लगता है देख के ये भी हाँ सर वो पढ़ रहे हैं है ना ओके 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 भारती जी कह रहे हैं कि एप के स्टूडेंट कहाँ है ऐसा लग रहा है कि मैं ही अकेली हूँ एप पर यहाँ आप अकेले नहीं मैं भी अकेले हूँ स्टूडियो में कोई भी नहीं मेरे सामने मैं भी अकेले पढ़ा रहा हूँ आप भी अकेले पढ़ रहे हैं यही तो ऑनलाइन की दुनिया है चलिए आगे देखिए आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए चार महिलाएं कौन कौन थी इन महिलाओं के नाम देख लेते हैं हम हरप्रसाद शास्त्री ने जो है इनकी भाषा को आलो आंद्री कहा था याद रखने वाली बात है और महिलाओं के नाम एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर इन्होंने क्या क्या माना है एक बार स्क्रीन आप जब तक ले लीजिए एक बार फिर से और किसी प्रकार का अपॉइंट में डाउट बने तो देख लीजिए सर बता दीजिए क्या बताना सोनम जी बताइए रजाक ये पहली क्लास नहीं ये चौथी पांचवी या छठी सातवीं क्लास है बाकी क्लास आपको मिल जाएगी कहाँ पर यहां पर सारे के सारे बाकी के जितने भी क्लास है वो आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो नाम देखिए अगला मणिभद्रा नाम जो महिलाओं के चार योगनियों के नाम चार योगनिया चार योगनिया योगनिया कौन है जोगन 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 गाना सुना होगा आपने जोगन यही है चार योगनिया कौन कौन है चार योगनिया तो चार योगनी सबसे पहली योगनिया है मणिभद्रा 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 पहली योगनी है नंबर दो पर अगर नाम देखें तो नंबर दो पर आता है मेखलापा 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 ये अपने नाम के पीछे पा लगाते थे जैसे कणप्पा कटप्पा चरप्पा ये सभी पापा लगाते सूर्यपा, ये इसका सरहप्पा लुईपा जलंधरपा डोंगी पा, डोंगरपा पापा लगाते थे ये कनकलापा कनकलापा भी तीसरा नाम है कनकलापा कनकलापा ये महिलाएं जो चार महिलाएं शामिल थी योगनियों में बहुत प्रसिद्ध या सिद्ध महिलाएं है रही हैं और लक्ष्मी करा लक्ष्मी करा भी इनका ही एक न, का नाम यहाँ पर है लक्ष्मी कपा या करापा भी बोला जाता है इनको तो चार योगनिया है ओके आगे देखेंगे अगले प्रश्न के आधार पर बनेंगे मुनि और मुनिदत्त सूरी ने एक नाम अच्छा पॉइंट यहाँ पर आया है मुनि मुनि इनकी भाषा संध्या भाषा कही गई है दोस्तों मुनि अद्वै वज्र अद्वे वज्र है नाम अद्वै वज्र अद्वै वज्र अदे वज्र एवं मुनि अधे वज्र एवं एवं मुनि एवं मुनि मुनि अदे वज्र एवं मुनि मुनि दत्त सूरी नाम उनका है मुनि सूरी मुनि सूरी मुनि सूरी मुनि दत्त सूरी सूरी पर छोटी की मात्रा लगाओ भाई मुनि सूरी ने सिद्धो की भाषा ने सिद्धो की भाषा को सिद्धो की भाषा को सिद्धो की भाषा को सिद्धो की भाषा को संध्या भाषा कहा है सिद्धों की भाषा को सिद्धों की भाषा को संझा भाषा कहा है क्या नाम कहा है संधा या संध्या कहा है? संधा या संध्या भाषा कहा है संध्या या संध्या भाषा कहा है संध्या संध्या भाषा कहने का मतलब क्या पता है आपको इसका मतलब यह है कि संध्या का समय कैसा होता है सही से दिखता नहीं है अस्पष्ट होता है सांझ का समय जो है तो ऐसे इनकी भाषा जो स्पष्ट नहीं थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें क्या है एक प्रकार का कहीं ना कहीं और

कुछ भी नहीं छूटेगा भैया आप तो बस देखते जाओ सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से आधार ग्रंथ हैं जिनको देखकर लिखा गया श्री पर्वत करके एक पर्वत हुआ है उस श्री पर्वत पर कुछ ग्रंथ लिखे गए थे उन्हीं को इसका आधार ग्रंथ माना जाता है अब श्री पर्वत पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं इन ग्रंथों के नाम अगर आप देखें तो साधन समुच्चय एक ग्रंथ है साधन समुच्चय साधन समुच्चय साधन समुच्चय ये ग्रंथ साधन समुच्चय ही है दूसरा ग्रंथ है दूसरा ग्रंथ आपके सामने लगा आदि कर्म प्रदीप आदि कर्म प्रदीप ऐसे ये आपको याद नहीं रखना है तो सिर्फ मैं बता रहा हूं तो आप लिख लीजिए आदि कर्म प्रदीप और तीसरा ग्रंथ जो है उसका नाम है मंजूश्री मूल काव्य मंजूश्री मूल काव्य मंजूश्री मूल काव्य मूल काव्य मंजूश्री मूल काव्य जो है इसको माना गया है और ये तीनों के तीनों ही कहा लिखे गए हैं ये तीनों के तीनों सो है तीनों ही श्री पर्वत पर लिखे गए ग्रंथ हैं। तीनों ग्रंथ श्री पर्वत पर लिखे हैं। तीनों ग्रंथ श्री पर्वत पर लिखे हैं। ग्रंथ श्री पर्वत पर लिखे हैं। श्री पर्वत पर लिखे हैं। पर लिखे, लिखे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर आगे बढ़ते हाँ दस बजे तक रहेगी लगभग यू मान के चलो ठीक है दस बजे तक लेंगे आप कोई दिक्कत नहीं दस बजे तक क्लास ले लेंगे ओके चलिए स्क्रीन लेते जाइए और आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ऑफलाइन भी पढ़ा है सर आपसे वापस से ऑफलाइन क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है ऑफलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी सर आदिकाल पूरा बता दो आदिकाल लगभग लगभग दस बारह क्लास दस क्लास रहेगी चलने दीजिए सर संस्कृत साहित्य की तैयारी अभी नहीं करवाई जा रही है अगर होगा तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़ेंगे आगे अगला प्रश्न देखो अगला पॉइंट देखिए रामदास दिनकर को भारतीय ज्ञानपढ़ पुरस्कार कब मिला सर कब मिला सन तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं लेकिन उर्वशी पर जो मिला है रश्मि रथी उर्वशी दोनों में कंप्लीट कंफ्यूजन होता है रश्मि रथी पे नहीं मिला है ये मिला जो है कुल मिलाकर दस कवियों को अभी तक मिला है पहले कवि के रूप में जो है सुभद्र सुमित्रा नंदन पंत थे महादेव वरम उन्नीस कुछ लोग अलग आंसर आ रहे हैं बहत्तर अड़सठ दोनों आंसर आ रहे हैं बताऊँ क्या मैं इसमें उन्नीस सौ में तो यामा के लिए मिला था एक बार चेक करना पड़ेगा इसको चलने दीजिए अड़सठ में पंत को मिला बिल्कुल सही बात है पहले कभी अड़सठ में पंत है और बयासी में महादेव वर्मा है ठीक है पहले पहले को याद रखना ज्यादा जरूरी है वैसे तो अड़सठ में पंत को मिला है और महादेव वर्मा को यामा पहली महिला थी उनको मिला है ओके अड़सठ में नहीं मिला जहां तक मुझे ध्यान है सोनू मंडलोई जी कह रहे हैं अड़सठ में नहीं मिला अड़सठ में अगला देखो अगला है हर प्रसाद शास्त्री हर प्रसाद शास्त्री हर प्रसाद शास्त्री पॉइंट है हर प्रसाद शास्त्री हर प्रसाद शास्त्री ने हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को सिद्धों की भाषा को सिद्धों की भाषा को भाषा को आलो आंध्री कहा है आलो आंध्री कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात वापस आई है दोस्तों आलो आंध्री कहा है आलो आंध्री कहा है आलो आंध्री कहा है आलो आंध्री कहा है आलो आंद्री और एक रचना भी है ये आलो आंध्री कहा है मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर आप सभी के लिए विशेष करके उन महिलाओं के लिए उन नारी शक्तियों के लिए जो कि इस समय क्लास पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो बहुत मजबूर हैं हम तो बहुत परेशान हैं हम तो खाना बनाते समय हम तो घर के काम करते समय हम तो ससुराल में रहते हुए पढ़ना पड़ रहा है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो ये आलो आंध्री का मतलब समझिएगा इनकी भाषा को आलो आंद्री कहा है आलो आंद्री का मतलब होता है अंधेरे से उजाले की ओर इसका मतलब होता है इनकी भाषा कैसी थी शुरुआत में अंधेरा अंधेरा दिखाई देती थी और बाद में उसमें उजाला सा लग रहा है तो आलो आंध्री का मतलब अंधेरे से उजाले की ओर अब आप कहोगे सर आपने फिर ये क्या हो गया तो नॉर्मल बात है आपने फिर ये क्यों कहा कि महिलाओं को समर्पित है तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि आलो आंद्री नाम की एक रचना जो है एनसीआर में शामिल की गई है एनसीआर में आप देखिएगा एन अगर आप देखेंगे तो क्लास इलेवेंथ में निकाल कर देखिएगा वितान करके एक पार्ट होता है वितान एक भाग होता है क्लास इलेवेंथ में एक रचना दे रखी है और ये महिलाओं को सभी को पढ़ना चाहिए रचना रचना का नाम है आलो आंध्री। आलो आंध्री एक रचना है 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 आलो आलो एक जो कि पूछी गई गई या उसमें शामिल की गई है। इस रचना को आलो आंद्री कहा गया है और ये एनसीआर के सिलेबस में शामिल है याद रखना आपको यह बेबी हालदार ने लिखी है बेबी हालदार ने इस रचना को लिखा है एक ऐसी महिला है जिसने ऐसी गरीबी में जीवन जिया दूसरों के यहाँ झाड़ू पूछा बर्तन इन सभी काम किया बच्चों को पाला पति छोड़ के चला गया और उन सभी समस्याओं में रहते हुए उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जो आशा पूर्णा देवी ने हासिल किया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थी वो तो इस रचना में उस महिला के संघर्ष को दिखाया है उस महिला के संघर्ष को बताया है जो कि संघर्ष में रहते हुए अगर सोच ले उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है तो बेबी हालदार की रचना ग्यारहवीं क्लास में जिनके पास भी हो एक बार पढ़ना जरूर आप उसका भाषा आलो आंध्री लेकिन उससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि आलो आंध्री जो है अंधेरे से उजाले में हम अंधेरे में अगर है तो हम उजाले की ओर बढ़ रहे हैं इस समय हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस समय भी सो रहे होंगे लेकिन हम जो है अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते जा रहे हैं ओम पाठक जी कह रहे बहत्तर में दिनकर को मिला अड़सठ में पंत को मिला भैया सिंह महादेव को मिला तो बहत्तर मुझे सही लग रहा है ये अठहत्तर में अग्ञ जी क्या बात है ओके मैंने डाला भी था ग्रुप पर आपको ये आगे देखिए और कोई दिक्कत तो नहीं है आगे अगला पॉइंट लिखो सिद्धों के बारे में कुछ तथ्य और हैं आगे देखिए सिद्धों के बारे में प्रमुख तथ्य अब कुछ तथ्य पढ़कर हम समाप्त इसको किसकी ओर करेंगे इसको पढ़ लेते सिद्धू को पढ़ लेते सिद्धों के बारे में बारे में प्रमुख तथ्य प्रमुख तथ्य क्या क्या खास बात इनके बारे में प्रमुख तथ्य देखेंगे सिद्धों सिद्धों के के बारे बारे में में प्रमुख प्रमुख तथ्य तथ्य क्या खास बात है आइए कौन कौन से हैं प्रमुख तथ्य तो सबसे बड़ी बात सिद्धों ने क्या किया शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है सिद्धो ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया नहीं कि यार जो है शास्त्रों का विरोध किया है सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है शास्त्रीय ज्ञान का क्या किया है विरोध किया है विरोध विरोध किया किया है, है, शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति को प्रधानता दी है शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर चिंतन के स्थान पर के स्थान पर शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति अनुभूति को अनुभूति को अनुभूति को महत्व दिया है को महत्व दिया है अनुभूति को महत्व दिया और महत्व याद रखना दोस्तों शुद्ध ऐसा होता है महत्व में दो दोता आते हैं हम एक ही लिखते आ रहे हैं शुरू से महत्व दिया है शास्त्र चिंतन के आधार पर इसको महत्व दिया है मतलब जो रियल में है रियल बेस्ड थे ये ये रियल बेस्ड होते हैं और रियल बेस्ड जो होगा उसी के आधार पर जो लिखा जाता है और सरप्पा जो प्रथम सिद्ध उन्होंने लिखा भी है उनकी रचना है सरप्पा के द्वारा कहा गया कथन देखिए सरप्पा ने क्या कहा है सरप्पा ने कहा है स्टेटमेंट देखो क्या है उनका लिखा है एक तरह से पंडित सवल सत बिखनाई पंडित सल एक परिभाषा या पंडित किन की भाषा थोड़ी अलग ही होती थी पंडित सल ये पूछा भी जाता किसका कथन है ये पंडित सल सल सत बखनाई सत बखनाई सत बखनाई, सत बखनाई सत्य बखनाई शुद्ध हिंदी नहीं थी ये अभ्रंश का रूप इनमें देखने को मिल रहा है बखनाई दे बुद्ध बसंतना जाने देह ही देह ही देह ही बुद्ध बसंत बुद्ध बसंत दे बुद्ध बसंतण जाने ये अभ्रंश में लिखा गया है तो ये क्या कह रहे हैं पंक्ति के माध्यम से कि पंडित जो कहते हैं ना कि वो सत्य कहते हैं कि ये करो वो करो लेकिन जो उन कहने से पहले खुद पर लागू नहीं करते शास्त्रों में ऐसा लिखा कि इसको छोड़ दो आपने देखा होगा ना कि कई एक तरह से ये कहा गया है कि पंडित जो खुद कहते हैं उनकी बातों पर अमल वो खुद नहीं करते हैं तो किस काम का है पहले तो उनको अमल में करना चाहिए जैसे आपने देखा होगा साधु संत प्रवचन करता कई सारी चीजें होती है कहते ना कि मोया छोड़ दो मोह छोड़ दो और किसी प्रकार का लोभ मत करो अहंकार मत करो और अगर उनको पैसा नहीं दे पांच लाख दस लाख रुपए नहीं दे प्रवचन करने के वो कहेंगे कि नहीं काय का पैसा पैसा कम पेसा दिया मुझे तो ये वो खुद कहेंगे कि माया मोह लोभ लालच सबको छोड़ दो और इस बात को कहने के खुद दस लाख रुपए ले रहे हैं प्रवचन में ये तो हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि पहले जो पंडित खुद कह रहा है वो खुद अपने ऊपर लागू तो करके देखे उस बात को तो उन्होंने जो है शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया था और खुद जो अनुभव आधार पर उनका जो है समर्थन किया था ओम प्रकाश पाटल जी तो उत्तर भी दे रहे और क्या, क्या? किया खास बात लिखते जा। पौंझ 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 लिखते जाओ जाओ पॉइंट 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 धार्मिक आडंबर का विरोध किया है धार्मिक आडंबर का विरोध किया है कर्मकांड पूजा पाठ इनका विरोध किया है धार्मिक आडंबर का विरोध किया है धार्मिक आडंबर का विरोध किया है धार्मिक आडंबर का विरोध किया है अपने नाम के पीछे अपने नाम के अंत में अपने नाम के अंत में अंत में सम्मानजनक शब्द सम्मान स्वरूप सम्मान स्वरूप क्या लगाते थे पा लगाते थे पा जैसे लुई पा पा लगाते थे पा लगाते थे या लगाते थे जैसे सरहप्पा कटप्पा नहीं है सरहप्पा है सरहप्पा है कणहप्पा है कणहप्पा है लुई पा है लुई सम्मान सूचक शब्द है ये और सबसे श्रेष्ठ पाथ है पा। याद रखना दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठी थे।, थे? थे।, थे उनका मानना था इसी जीवन को सुधार लो जीवन सुधर गया निरेश्वरवादी थे इन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया था नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे क्या बात है इन्होंने तो नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर माना है नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो भी चीजें बनी हो करो मानस है खाओ मछली खाओ नारी है तो संभोग के लिए बनी है इस तरह ये कह रहे हैं नारी सेवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे सहोदर मानते थे और इन्हीं चीजों या इन्हीं खामियों के कारण क्या हो गया इन नारियों को ज्यादा शामिल करने लगे और नारी को शामिल करने से पूरा का पूरा नष्ट हो गया समूल नष्ट हो गया उसका और फिर क्या होगा नाथों ने समझा कि यार ये नष्ट क्यों महिला के, हुए। नारी के द्वार है अगर नारी रहेगी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो ये नाथों ने कहा क्योंकि इन्हों की इस लाइन पर ही सारी चीजें बनी है ये क्या कह रहे हैं नारी तो सेवास को नारी सेवास को क्या मानते ब्रह्मानंद सहोदर ओके आवाज नहीं आ रही एप्लीकेशन पे आवाज नहीं आ रही क्या आ रही होगी संजना चौहान एक बार रिफ्रेश करके देखो लुईपा के गुरु सबरपा है ठीक है उस भी आएंगे हम पढ़े आगे और देखिए वैदिक देवी देवताओं का प्रति अनास्था थी और लौकिक देवी देवता यानी कि प्रकृति वालों को मानते थे ठीक है कहा पहुंच गए हम आ, कुछ भी नहीं गया बहुत बढ़िया अभी चला जाता तो कोई दिक्कत होती और क्या है आ, आवाज आ रही कि नही बस हम तो चेक कर लेना है हाँ शिव और शक्ति के युगल रूप की आराधना की इन्होंने जो कि सामान्य रूप से दिखाई देते उन देवी देवताओं को पूजा है शिव एवं शक्ति इनको लौकिक देवता माना है याद रखना इन्होंने जो है शिव एवं शक्ति की युगल रूप में उपासना की है शिव एवं शक्ति की युगल रूप में उपासना है शक्ति की युगल रूप वो जोड़े वाले युग ना एक तरह से अर्धनारिशोल वाला रूप युगल रूप उसकी आराधना की शिव एवं शक्ति की युगल उपासना की युगल रूप की उपासना की युगल रूप में उपासना की युगल रूप में उपासना की जोड़े से उपासना या आलिंगन आलिंगनबद्ध जो एक जोड़ा बनता है उसकी उपासना की है और क्या है पंचमकार की प्रवृत्ति इसमें पंचमकार की प्रवृत्ति में मकार पंचमकार की प्रवृत्ति है पंच मकार की प्रवृत्ति है।, है पंच मकार की प्रवृत्ति है पंचमकार पंच क्या होते हैं भाई मां से शुरुआत होने वाले वर्ण इसमें पंचमकार में क्या क्या आते हैं सबसे पहले आप देखोगे तो एक आएगा मत्स्य मत से ऐसे लिखा जाता है शुद्ध मत्स्य है दूसरा से है दूसरा मान से है तीसरा मैथुन है तीसरा मैथुन मा मा से आने वालों को प्राथमिकता देते थे ये मत्स्य है मान से है मैथुन है मुद्रा है और एक है मध्य मुद्रा मुद्रा और मध्य तो क्या बात है यहां तो इन्होंने मा मा से ले लिया पंचमकार की प्रवृत्ति थी मछली वचली चलेगी मांस चलेगा मैथुन ने सेक्स होता है मुद्रा ने पैसे होते और मध्य ने नशा होता है सब चलेंगे आवाज बा आवाज सही से साहेबा क्या है रोज क्लास होती है स्मिता चौरसिया जी पूछ रहे हैं रोजाना सुबह सात बजे एप्लीकेशन पे क्लास होती है रोजाना सुबह सात बजे एप्लीकेशन पे क्लास होती है और लेकिन वो पेड है और यहाँ पर ये यह क्लासेस जो मिल रही है यूट्यूब पर हर संडे को मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा आवाज बस ही आ रहा है बा हाँ आ रही है एप्लीकेशन पर आ रही है ओके आगे बढ़ो आगे देखते जाओ इनकी विशेषता है तो देख ले कम से कम हम आगे देखिए जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था इन्होंने जाति प्रथा जाति प्रथा मानते नहीं थे जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध वर्ण व्यवस्था का विरोध किया वर्ण व्यवस्था का विरोध किया सारी विशेषताएं देख लो आज विशेषताएं देख लो फिर हम बाद में डिटेल में और कल से वापस पढ़ेंगे सात बजे से अभी सिर्फ ये देख लीजिए जाति प्रथम व्यवस्था का विरोध किया नारी के साथ आदर सूचक या नाम के साथ जो है आदर सूचक शब्द जोड़ा है तो लिख चुके हम आगे देखिए नारी भोग को महत्व दिया कि नारी भोग की वस्तु है ये कहा इन्होंने संभोग की वस्तु है ऐसा इनका मानना था आगे देखिए सिद्धों में और कमल और कुलिश सिद्धों ने सिद्धों ने कमल कमल और कुलिश कमल और कुलीश, कमल और कुलिश कमल और कुलिश को कमल और कुलिश को क्या माना भैया कमल को तो इन्होंने योनी माना है योनी का प्रतीक है कमल जो है वो योनी का प्रतीक है और कुलिश कुलीश, कुलीश लिंग का प्रतीक है तो इन्होंने जो कमल है उसको योनी माना और कुलिश ने कांटा जो होता है या वज्र जो होता है उसको जो है माना गया है को योनि और लिंग का प्रतीक माना है योनि और लिंग का प्रतीक माना है का प्रतीक माना है तो इनमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इनमें सेक्स की भावना ज्यादा देखने को मिल रही है यूं कहीं ना कहीं यू मान के चलिए ऐसा भी बोल सकते हैं सिद्ध साहित्य विशेष करके हम देखें तो इसमें कई सारी बातें हैं और क्या खास बात है चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति थी चमत्कार करने पर इन्होंने चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति है चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति है चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति है चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति रही।, रही और क्या खास बात है रहस्यवादिता थी रहस्यवादिता सस्पेंस वाला यूं कहें कि सीधे सीधे समझने वाली न रहे रहस्यवादिता जैसे कबीरदास की रचना को रहस्यवादी रचना कहा जाता है सुनाई कुछ और देती है अर्थ कुछ और अलग निकलता है उलट बंशियों का प्रयोग है उलट बंसियों का प्रयोग या मासियों का प्रयोग है जिसमें वर्थ पूरी तरह से विपरीत हो जाता है लगता कुछ और है लेकिन अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है उलंट बासियों का प्रयोग इसमें देखने को मिला है उलंट बासियों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला है या मिलता है और क्या है और शांत रस प्रधान रस है रस प्रधान रस है रस प्रधान रस है रस प्रधान रस है इनकी रचनाओं में शांत रस कैसा रस है प्रधान है लेकिन कहीं कहीं पे श्रृंगार भी मिलेगा देखने को श्रृंगार भी मिलता है श्रृंगार भी मिलता है शांत रस प्रमुख है लेकिन क्या मिलेगा श्रृंगार भी मिलेगा श्रृंगार रस भी मिलेगा के okay, देखिए हाँ सर खाने की कुछ व्यवस्था कर दो भूख लगी है मुझे भी लगी भाई साहब मैं भी जो है कुछ भी नहीं खा के आया हूँ कुछ भी नहीं खाया मैंने बस एक कप चाय पी थी और उसके बाद मैं सीधा निकल के यहाँ पर आ गया हूँ ठीक है और आपके लिए ही है सिद्ध साहित्य में विशेष करके हमने कई सारी बात कही है कई सारी चीजें देखी हमने चलिए दो साइड और देख लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब आगे देख रहे सिद्ध साहित्य में या सिद्ध साहित्य पर काम करने वाले विद्वान आखिरी दो स्लाइड पे समाप्त कर रहा हूँ आगे सेट देखिए सिद्ध साहित्य पर काम करने वाले विद्वान 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 काम करने वाले विद्वान कौन कौन हुए हैं जिन्होंने सिद्धों पर काम किया है तो उसके बाद काम करने वाले विद्वान कौन कौन ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिद्धों पर काम किया है तो काम करने वाले विद्वान देखिए कौन कौन है उनको हम देखेंगे आपने हरप्रसाद मिश्र का नाम तो सुना ही लिया है राहुल संक्रत का नाम आपने सुनी लिया है पर उनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं काम क्या, क्या क्या किया भाई साहब इन लोगों ने ठीक है तो सिद्ध साहित्य पर काम करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं ठीक है रस को उद्भट के नाम उद्धट ने माना हाँ ये उनका प्रयोग किया है सबसे पहले उद्भट रुद्रट इन लोगों ने उसको प्रयोगकर्ता के रूप में लिया है देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो बेंडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया है एक नाम आता बेंडल बेंडल ने बेंडल ने बेंडल बेंडल ने सिद्धों की रचनाओं का, सिद्धो का, का, का संकलन किया है ने सिद्धों की रचनाओं का सिद्धों की रचनाओं का की रचनाओं का रचनाओं का संकलन किया है रचनाओं का संकलन किया है संकलन किया है संकलन मतलब उसको कलेक्शन किया, किया है कलेक्ट किया सी है सीधी सी बातें इकट्ठा किया है दूसरा नाम क्या है हर प्रसाद मिश्र ने हर प्रसाद मिश्र ने हर प्रसाद मिश्र ने हरिप्रसाद नहीं हर प्रसाद मिश्र ने मिश्र ने हर प्रसाद मिश्र ने मिश्र ने बोध गानो तो दोहा नाम लिखा था हमने याद करो बोद गानो तो दोहा लिखा उन्नीस सत्रह में बोध गानो तो दोहा बोध गान ओ तो दोहा बोध गान ओ तो दोहा तो दोहा ये रचना लिखी कब लिखी 1917 में लिखी तो ये भी उन्होंने काम किया है हर प्रसाद मिश्र ने किया है और क्या नाम आएगा हमारे पास एक नाम आएगा प्रबोध चंद्र बागची एक नाम आएगा प्रबोध चंद्र बागची प्रबोध चंद्र बागची चंद्र बागची बागची क्या नाम है प्रबोध चंद्र बागची नाम याद रखना दोस्तों बागची की बागची 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 होता है बागची होता है ये सरनेम सुना ना हमने पावरी जस्ट पावरी बागची प्रबोध चंद्र बागची इन्होंने क्या क्या दोहा को उसका संकलन किया है दोहा कोश का संकलन किया है दोहा कोश दोहा कोश का संकलन किया है दोहा कोश का संकलन किया है दोहा कोश का संकलन किया है तो ये तो ने भी किया राहुल सांकृत्यायन ने भी किया है राहुल सांकृत्यायन ने भी किया भैया तो इन्होंने हिंदी काव्य धारा लिखी 1946 में ग्रंथ लिखा था याद रखना राहुल सांकृत्यायन गण का ग्रंथ का नाम भूलना मत राहुल सांकृत्यायन ने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी देन मानी जाती है उस ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्य धारा हिंदी काव्य धारा करके ग्रंथ लिखा है के नाम से जाने जाते थे और प्रथम कवि भी इन्होंने माना है और ये ग्रंथ उन्नीस में लिखा गया है इन्होंने भी क्या किया है इन्होंने भी दोहा का संकलन किया है इन्होंने भी क्या किया है दोहा कोष का संकलन किया है दोहा को का संपादन किया है दोहा को का संपादन किया है दोहा का संपादन किया है तो वे विद्वान जो कि सिद्धों से संपन्न जो है संपदान संपादन किया है जो सिद्धों से संबंध रखते थे उनके नाम यहां पर लिखे हैं ओके चलिए आगे बढ़े और आगे देखिए सर मैथ्स की क्लास ये मैथ्स की क्लास के लिए मुझे इसका सही से एक्चुअली आइडिया नहीं है तो आप जो है आप इसको हाँ आप इसको जो है एप्लीकेशन अप्लिक, संबंधी जानकारी आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके लिख लीजिएगा कमेंट देख लेता हूँ एक बार फिर से मैं कमेंट है एप्लीकेशन पर सर मुझे यूटीसी नेट के लिए क्लास तो लेनी है बट अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं आप जो है आगे भी क्लास ले सकते हैं और जो भी पेंडिंग क्लास है वो रिकॉर्डेड में ले सकते हैं उनको देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं किसी प्रकार कोई समस्या उसमें बात में नहीं होगी आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल मिलेगी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सांतरस में भी कई नाम मिलते हैं उद्भट का नाम याद बता रहे ना आप उद्भट का अलावा अभिनव गुप्ते का नाम भी मिलता है ऐसा नहीं कि उद्भट ने बोल दिया बोल दिया अभिनव गुप्त का नाम भी मिलता है और आचार्य विश्वनाथ तो उसको प्रमुखता से प्रबलता के साथ स्थापित करने का काम करते हैं तो नाम जरूर उनका मिलता है शैतान हाँ, 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 की तीसरी आंख भी भी है 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 राहुल बिल्कुल सही कहा है ये यायावर यही बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है। <coughs> आगे और आखिरी पॉइंट लिख लीजिए और लगभग कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ा सा एक ये भी रीजन रहा है कि अभी स्वास्थ्य अभी भी कहीं ना कहीं मान के चलिए अभी परफेक्ट नहीं हो पाया मेरा लेकिन मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ ठीक है ओके आगे देखिए अगला है नाथ और सिद्ध में गिने जाने वाले जो रहे हैं दोनों में गिने जाते हैं जो अभी जिन्हें उमेश यादव जी ने कमेंट किया था अच्छी बात है क्रिकेट छोड़ के यहां पर आ गए ये लेक्चरर या प्रोफेसर की तैयारी करने पहले क्रिकेट खेलते थे भारतीय टीम में शामिल थे पहले ये अब आ गए यहां पर बहुत अच्छा लगता है इनको देख के है ना घुमक्कड़ भी माने जाते हैं नाथ एवं सिद्धों में गिने जाने वाले व्यक्ति नाथ एवं सिद्धों में नाथ एवं सिद्धों में गिने जाने वाले व्यक्ति किने जाने वाले व्यक्ति किने जाने वाले व्यक्ति वाले व्यक्ति नात और सिद्ध में जो गिने जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम तो कौन कौन ऐसे हैं जो गिने जाते हैं तो नातों में भी माने जाते हैं और सिद्धों में भी शामिल किए जाते हैं नात और सिद्धों में शामिल व्यक्ति जो है वो कौन कौन है तो गोरखनाथ को तो इनका समर्थन से ये माना जाता है कि प्रमुख रहे और क्यों बना होगा अलग उसकी भी हम बात करेंगे अभी तो हमें सिद्धों का परिचय देखना है क्लास और इसमें अभी लगेगी तो अभी सिद्धों की बात कर लेते हैं सब सबसे पहले गोरखनाथ इनको सिद्ध भी माना जाता है गोरखनाथ गोरखनाथ जलंधरनाथ जालंधरनाथ 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 और तीसरा नाम जो रहेगा चरपटियानाथ तीसरा जो है चरपटनाथ चरपटिया भी बोलते हैं इनको चरपटनाथ और तीसरे नागार्जुन चौथा नाम नागार्जुन का इनको नाथ और सिद्ध दोनों के गुण जो रखते हैं उनको माना गया है ये नागार्जुन एक बार चेक करना है इनको कौन से नागार्जुन है है ना तो ये थे बात यहाँ पर पांच लोग हैं एक और कौन सा नाम है एक बार कमेंट करके बताइए कौन सा नाम छूट रहा है मुझसे पांच लोग हैं कुल मिलाकर ये चार नाम गोरखनाथ जालंदर नाथ चरपटियानाथ और नागार्जुन ये सभी नाम जो है ये शामिल है किन में नाथों में अरे यायावर रहेगा याद ये किसकी रचना पता है अरे यायावर याद रहे किसकी रचना है कमेंट करके बताओ तो किसकी है अज्ञे जी की है कि राहुल संक्रतन जी की है कि निराला की है सॉरी नागार्जुन है ओके अग् अग्के को इनमें शामिल किया गया है क्या नहीं अच्छा रचना बता रहे हैं आप ठीक है अज्ञा की रचना है तो सभी जुड़े रहे थे एक बार फिर से बता दूं वो स्टूडेंट जो एप्लीकेशन पर थे वो तो है ही विशेष करके इस क्लास का उद्देश्य ये भी है कि वर्ग एक के वो विद्यार्थी जो अभी भटकाव में है भटक रहे हैं मैंने कई सारे थोड़ी सी बातें मैं एक्स्ट्रा हटके कर लेता हूँ कुछ बातें यह है कि मैंने यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ तो कई सारे लोग ऐसे भी है, हैं चिल्लाते हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि यही आएगा यही आएगा मैं ये नहीं कहूंगा यही आएगा मैं ये कहूंगा इससे बाहर नहीं जाएगा मैंने ऐसे भी देखे हैं कुछ क्लास ऐसे भी देखी यूट्यूब पे जिन्होंने दो घंटे पढ़ा दिया है और कह रहा है कि आदिकाल इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आदिकाल एक दो लेक्चर का नहीं है आदिकाल को पढ़ने के लिए समय देना पड़ता है और मैं फिर मान रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता आपको तैयारी करना है जीरो से बहुत जीरो से पढ़ेंगे शांति से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नाच गा कर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रहे हैं कुछ लोग पढ़ा रहे हैं मैं देख मैं अपनी बात ये नहीं कर रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ अपनी तारीफ कर रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो चिल्ला और जोर जोर से झूठ बोलकर एक तरह से चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहित करेंगे कोई दो घंटे के लेक्चर से पूरा का पूरा अधिकार नहीं होगा कोई दो घंटे के लेक्चर से सारा का सारे प्रश्न नहीं आ जाएंगे आपको रोजाना समय देना पड़ता है रोजाना पढ़ना भी पड़ेगा कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि बस ठीक है हम तो पढ़ लेंगे वैकेंसी आएगी तब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको समय है आप क्वालिफाइड कर चुके हैं पात्र हो चुके हैं थोड़ा समय दीजिए अपने आपके पास समय समय का सदुपयोग कीजिए नहीं तो बाद में फिर कहोगे यार अभी तो समय नहीं बचा इसीलिए क्लास स्टार्ट करने का उद्देश्य य था और विशेष कोई इसमें कोई विशेष बात नहीं है संडे को मैं रोजाना लेकर आऊँगा आपके लिए व्याकरण क्लास पाँच अप्रैल से शुरू होने वाली है और ये सभी चीज़ें यहाँ पर है और आपके सामने है आप समझ गए होंगे कि क्या सही है क्या गलत है किसे चुनना है किसे छोड़ना है तो अच्छी तरह से आपको समझना है और वर्ग दो हिंदी साहित्य क्वेश्चन में करवाइए सर वर्ग दो की हिंदी साहित्य क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है हिंदी साहित्य उसमें फिफ्टी परसेंट आएगा फिफ्टी परसेंट व्याकरण आएगा वो भी आपको पढ़वा दी गई करवा दी गई है अभी ओपी सर पैडोगॉजी उसमें पढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस में लेकर इसके आने वाला हूँ अभी बस थोड़ा समय की कमी है इसलिए मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ बाकी बिल्कुल ध्यान दीजिए तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम समझ नहीं पाते सही क्या गलत क्या है आज के कंटेंट को कंपेयर कीजिएगा और आदि संबंधित प्रश्न अभी और बाकी है और पढ़ेंगे अभी हमें इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है ये तो कल मिलेंगे सुबह सात बजे और सुबह सात बजे जो है वापस से मैं आपके साथ जुड़ूंगा एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन पर यहाँ से ठीक आगे की क्लास हम बढ़ेंगे तो सत्याधि शर्मा क्लासेस की एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए एप्लीकेशन पे जो भी देख रहे हैं वो इसे पढ़ रहे होंगे और वो जो है सीधे तौर पर कहते हैं समझ लीजिए वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां से ओके सर आप पढ़े मुझे बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े रहे दो घंटे का समय आप सभी ने दिया है कब समय निकल गया पता नहीं चला और दो घंटे में बहुत कुछ पढ़ा है और जी नहीं ऐसा रवि भाल के जी मैं नहीं कहता हूँ कि वर्ल्ड बेस्ट टीचर है पर लेकिन मैं मानता हूँ अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सके मैं देने का प्रयास करता हूँ और करूंगा भी लेकिन ऐसे नहीं चला यही आएगा मैंने ऐसा देखा मुझे बड़ा मजाक लगता है कभी कभी तो मैं कल देख रहा था कल परसों तो वो एक मैंने देखा मैं किसी का नाम नहीं पर बोले यही छपेगा परसों के पेपर में ये आएगा कल तो यही आ जाएगा और लोग देख रहे हैं और लोग उसको बड़े प्यार से देख रहे हैं सही गलत इनका निर्णय आपको लेना है और उसके हिसाब से काम करना नहीं तो आप जो है भटक सकते हो तो सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है ठीक है तो चलिए दोस्तों साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आप सभी जुड़े रहे और आपसे उम्मीद है कि इस लिंक को आप शेयर करेंगे अपने अपने स्टेटस पे एक दिन तो कम से कम संडे के दिन आप लगा सकते हैं कई सारे स्टेटस आप लगाएंगे लेकिन ये लगाना भी जरूर जरूरी है जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे इंस्टा पर फेसबुक पर जहाँ शेयर कर सकते हैं वो उसे शामिल करेंगे ओके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे कल सुबह सात बजे धन्यवाद दिल से जय हिंद जय भारत